हेलो स्टूडेंट्स आई दिपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आई टी नीट आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यानी कि आपको किंडर गार्डन से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक कई सारे बोर्ड्स कई सारे मीडियम्स एंड ऑफकोर्स कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे आई टी जी एन टी एस सी रेलवे बैंकिंग एस ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्टर हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं आपको थ्रू आर प्लेटफॉर्म डब्ल्यू यानी कि पूरा प्रोग्राम पूरा कोर्स पूरा मॉड्यूल आपको एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट पर मिलता है आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं लेना होता है कोई हिडन कॉस्ट नहीं है कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन नहीं है पूरे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दैट स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करेंगे और पहले हम समझेंगे हम इलेवंथ स्टैंडर्ड आई आई टी जी में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स का ये जो टैप जो इस चैप्टर का जो टॉपिक है हमारा कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड टॉलमीज थ्योरम यहाँ पर पी साइलेंट होता है सो दे कॉल इट टॉलमीज थ्योरम तो ये बहुत ही क्रूशियल सा टॉपिक है अभी तक आई होप आपको सारे रूल समझ आए हैं साइन रूल को साइन रूल टेंजेंट रूल अलग अलग एंगल्स को डिवाइड करके हाफ करके उनके रूल्स बनाए हमने सेंटर्स के बारे में बात की और ट्राइंगल्स को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की इन सारी प्रॉपर्टीज को कंसिडरेशन में रखते हुए बस उसी कंटिन्यूएशन में अब हम क्वाड्रिलेटरल पर शिफ्ट हो रहे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे हम और एक बड़ी ही सी थ्योरम आपके सामने आती है दैट इज़ कॉल्ड टॉमीज थ्योरम उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे विद ऑफकोर्स अलअ ऑफ इलास्ट्रेशन एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कई सारे करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड ऑफकोर्स पास्ट ईयरस क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड आई टी जी मीस और एडवांस में आए हुए विद दैट स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अब बिना किसी डिले के शुरू करेंगे और सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे जो आई आई टी जेई मॉड्यूल है ये आपके लिए क्या क्या चीज़ें एट एप्सोलेटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव और थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको बनाकर दें एंड ऑफ कोर्स उसमें कई सारे इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स रखे जाते हैं ताकि हर एक टॉपिक आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जिसमें हम कई सारे पी के थ्रू उसे एक मजबूत कंसॉलीडेसन आपके लिए देकर देते हैं ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक की डी आपके लिए रिलीज़ होती है और उसे प्रैक्टिस करके आप उस टॉपिक को और कंसॉलीडेट करते हैं तो इस टॉपिक पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लेकर आते हैं ना सिर्फ डी आपको दी जाती है बल्कि अफकोर्स हम डी का भी वीडियो सल्यूशन आपके लिए क्रिएट करते हैं ताकि डी को आप अच्छे से और कंसॉलिडेट कर पाए और हर क्वेश्चन के नए अप्रोचेस नए सोल्यूशन देख पाए और एक नया परस्पेक्टिव डेवलप कर पाए इसी के साथ साथ हम आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं टोटल फिफ्टीन हंड्रेड क्वेश्चन का पर चैप्टर यानी ओवरऑल हंड्रेड क्वेश्चन पर टॉपिक सो दैट हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपका एक्सपोजर मिल सके और आप आसानी से हर तरह के क्वेश्चन को डील करना टैकल करना सीख पाए ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं बड़ा आसान सा तरीका है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिखाई देगा आज क्योर वहाँ क्लिक करिए आप अपने डाउट्स फॉरवर्ड करिए हम आपके डाउट्स भी ऑफकोर्स रिजॉल्व करेंगे इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स सबसे खास बात ये आपको हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन भी सब्सिक्वेंटली आने वाले समय में करवाने वाले हैं यानी हर चैप्टर पर हम पी वाई क्यू करेंगे जय मीन्स और जई एडवांस पर आए हुए इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप चैप्टर वाइज अपने टेस्ट भी दे रहे होंगे और हर चैप्टर पर अपनी टेस्ट देकर सेल्फ असेसमेंट सेल्फ एवेलुएशन करके देख पाएंगे कि उस चैप्टर पर आपकी कितनी अच्छी कमांड है ना सिर्फ ये बल्कि हर एक चीज़ को लेकर जो आपके अकेडमिक्स के लिए जरूरी है सारे फैकल्टी मेम्बर्स आपको वक्त वक्त पर आकर गाइड करते रहेंगे और आपको गाइडेंस देते रहेंगे कि देखो इस तरीके से चीज़ें कर लो ये कर लो जो भी आपके अकेडमिक्स को इम्प्रूव करेंगी उसकी हर चीज को लेकर हम आपको इनपुट्स हमेशा देते रहेंगे आपके लिए हम वन शॉट रिविजन भी क्रिएट करेंगे यानी कि हर चैप्टर का एक कंसाइज टू द पॉइंट वन शॉट रिविजन जिसके जरिए उस चैप्टर को आप अच्छे से एक क्रिस्प मैनर में रिवाइज कर पाएंगे विद ऑफ कोर्स ऑफकोर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ताकि एग्जाम के वक्त आप अच्छे से हर चैप्टर को रिवाइज करके जाए और अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट करें इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं यानी कि जेई मेंस और जेई एडवांस की एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप कई बार इन मॉक्स के थ्रू इन एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके होंगे स्ट्रैटेजी बिल्ड कर चुके होंगे और अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करना सीख चुके होंगे और आई होप ये सारी बातें आपको पता है ये सब कुछ हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर करते हैं विद अ प्लेटफॉर्म With that, students, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि cyclic quadrilateral exactly होता क्या है तो सबसे जरूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स अ क्वाड्रिलेट्रल पी क्यू आर एस इज सेट टू बी साइक्लिकल इफ देयर एग्जिस्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स फोर वर्टाइसिस इसका क्या मतलब है इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है दो तरीकों से देखा जा सकता है सर अगर सर्कल की पैरिमीटर पर या सर्कल की सर्कम पर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टाइसिस हैं तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक या उल्टा जो वो कहना चाह रहे हैं कि सर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल से कोई अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टाइसिस से कोई कोई सर्कल पास हो सकता है तो हम उस तरीके क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आईओ प्रॉपर्टी ये बात है ये अच्छे से आप डिटेल में याद रखेंगे इस पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं स्टूडेंट्स एक्चुअली इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं मतलब एक्चुअली <coughs> जैसे ही आप साइक्लिक क्वाडर लैट्रल पिक्चर में लाते हो ना तो सोल्यूशन ऑफ ट्रा वाले चैप्टर की चैप्टर की अहमियत वापस से नजर आने लगती है क्योंकि देखो आप मान लो एक क्वाडर लैटरल ये है आपकी साइड ए मतलब कोई साइड है ये आपकी कुछ है एक और साइड और ये एक और साइड और लेट्स से ये एक और साइड तो इस तरीके से सर मान लेते हैं यहाँ पर है एक क्वाडर लैटरल क्या पॉइंट आपको समझ आया मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ए बी सी डी अभी क्या अभी बहुत जरूरी बात कि सर चूंकि एक साइक्लिक क्वार्टर है तो इसकी सारी वर्टाइजिस कहाँ लाई कर रही है सर इसकी सारी वर्टाइस इस सर्कल की सर्कम पर लाई कर रही है अब एक और छोटी सी बात की अगर मैं किसी भी डायग्नल को मिलाऊं अगर मैं किसी भी डायग्नल को मिलाऊँ आप आग बात समझ पा रहे हो अगर हम किसी भी डायग्नल को मिलाएं तो कोइंसिडेंटली फायदा ये हो जाता है कि आपका ओवरऑल जो क्वार्टर लॉटरल है वो एक ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है अब सुनिएगा बहुत ध्यान से यहाँ पर अब वापस से वही सारी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस होने लगती हैं जो आपने पढ़ी है जैसे कि क्या सर ए ट्राएंगल बन गया ए बी डी एंड डू यू रियलाइज कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है यानी उसकी सारी वर्टाइसिस से सर्कल पास हो रहा है तो एनी anyway, वे इस ट्राएंगल की वर्टाइसिस से तो पास हो ही रहा है आप बात समझ पा रहे हो मतलब कहना है कि सर एक्चुअली कोइंसिडेंटली आपने इस ट्राइंगल का भी तो सर्कम सर्कल बना दिया है आई होप आप बात समझ पा रहे हो ना सिर्फ ये बल्कि अगर मैं इस ट्राइंगल देखूँ डी सी बी आई होप आप देख पा रहे हो ये जो ट्राएंगल है आपका बी डी सी इस ट्राइंगल में भी इस ट्राएंगल का भी तो सर्कम स्क्राइब सर्कल है तो फॉर्चुनेटली या यू नो इंसिडेंटली क्या हो जाता है स्टूडेंट्स अगर वो साइक्लिक क्वारल का सर्कल है जिसे हमने सर्कम्सक्राइब किया है तो ऑफ कोर्स वो उसके इस डाइग्नल से डिवाइड हो जाने वा दो जो नए ट्राइंगल्स बनते हैं इस तरीके से बनाते हैं तो दो दूसरे बनते उन चारों ट्राइंगल्स का भी ये हमारा जो सर्कल होता है वो सर्कम्सक्राइबिंग सर्कल होता है क्या ये बात आपको समझ आ रही है आई होप ये फैक्ट आप याद रखेंगे और अगर इस ऑब्जर्वेशन को याद रखेंगे तो इसी से बहुत सारी मज़ेदार सी बातें ड्राइव होती हैं जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर साइक्लिक कॉडोल्टल का एरिया कितना होता है तो मैं कहूँगा बड़ी आसान सी बात है बड़ी आसान और सॉर्टेड सी बात है जैसे सोच के देखो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ जैसे कि क्या पहली बात तो क्या आपको ये पता है कि सर साइक्लिक क्वाडर में अपोजिट एंगल्स का सम अपोजिट एंगल्स का सम ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है यानी कि बड़ी सिंपल और साधारण और सुलझी बात कि सर अगर ये है लत से अल्फा अगर ये है अल्फ़ा तो ये कितना होगा ये होगा पाई माइनस अल्फा क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है इन दोनों का सम होता है ऑफ़ कोर्स 180 डिग्री है ना यानी अगर अल्फा की बजाय मैं इस एंगल को रीड करूँ सी की तरह इस एंगल को अगर मैं रीड करूँ एंगल सी की तरह तो ये एंगल जो ए है वो कितना होगा एंगल ए जो है वो होगा पाई माइनस सी क्या इसमें कोई डाउट है आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं अब अगर मैं इस साइक्लिक क्वाड्रैट्रल ए बी सी डी का एरिया निकालना चाहता हूँ हम तो किसका एरिया निकालना चाह रहे हैं हम साइक्लिक क्वार्रोलेट्रल ए बी सी डी का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो मैं आपको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि क्या मैं ऐसे ऐसे सोच सकता हूँ स्टूडेंट्स कि सर एक काम करते हैं हम हम क्या करते हैं हम सर इस ट्राइंगल बी डी सी और इस ट्राइंगल ए डी बी का दोनों के एरिया को ऐड कर देते हैं तो भी बात बन जाएगी बिल्कुल आप ऐसा भी सोच सकते हैं मतलब आप क्या करना चाह रहे हो सर हम करना चाह है、रहे हैं ट्राइंगल ए डी बी का एरिया निकालना चाह रहे हैं हम ट्राइंगल ए डी बी का एरिया निकालना चाह रहे हैं और हम ट्राइंगल बी डी सी का भी एरिया निकालना चाह रहे हैं हम ट्राइंगल बी डी सी का भी एरिया निकालना चाह रहे हो अगर इन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो भी बात बन जाएगी बिल्कुल क्या आपको ट्राइंगल का एरिया निकालते आता है आई होप सर हमें एक फॉर्मूला पता है जैसे कि अगर ऑफकोर्स ये ये जो साइड्स हैं

फिर सर आप इसमें क्या ऐड करने वाले हो हम इसमें ट्रायंगल एंगल बी डी सी का भी एरिया ऐड करेंगे और जैसे आप बी डी सी का एरिया ऐड करने चाहते हो तो बी सी और सी डी मुझे दो साइड दिखती हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाफ बी सी इन टू सी डी एंड आप किस एंगल का साइन रेशो लेंगे सर बी सी और सी डी में जो एंगल इंक्लूडेड है दैट इज एंगल सी तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं साइन सी से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा आई होप तक कोई भी डाउट नहीं है कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और चीजें सुलझी हुई सी आपको दिख रही है बिना किसी हेजिटेशन कन्फ्यूजन के अभी क्या अभी बहुत साधारण सी बात सर ये हाफ तो कॉमन ले ही सकते हैं बिल्कुल हाफ तो कॉमन ले ही सकते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं और क्या जैसे ही आप हाफ कॉमन लेते हैं तो एक और जरूरी बात आपको नजर आएगी सर यहाँ दिख रहा है डी ए बी बिल्कुल सर ये दिख रहा है डी ए बी है ना और यहाँ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स प्लस करके अगर देखें अमरीली सॉरी यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रही है वो क्या साइन अब एक छोटी सी बात स्टूडेंट सोच के बताइए जो ए लिखा है ये जो ए लिखा है क्या इस एंगल ए को मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ए और एंगल सी का सम वन डिग्री एंगल डी और एंगल बी का भी सम वन डिग्री होता है एज फार एज अ साइक्लिक क्वार्टर लाटर तो सर एंगल ए जो लिखा है इसको मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं तो हम इसे लिख लेंगे साइन ऑफ पाई माइनस सी फिर क्या स्टूडेंट्स एक और पार्ट जो बच जा रहा है वो बी सी ऑफ कोर्स क्या बी सी इंटू सी डी इंटू इस तरीके से आपको चीजें नजर आएंगी क्या इतने एक्सप्रेशन में डाउट है अगर आपको इतना पार्ट नजर आ रहा है क्लियरली तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा अब देखो ये साइन पाए माइनस सी क्या हो जाएगा सर साइन पाए माइनस सी भी साइंस ही हो जाएगा तो यहाँ भी साइंस ही है और वहां भी साइंस ही है तो आई होप ये दिख रहा है आपको पाए माइनस सी पाए यानी क्या पाए माइनस यानी क्या सेकंड क्वाड्रेंट और साइन पॉजिटिव ही है और पाई के कारण सी ही आपको मिलना है तो आपका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा हाफ है ना फिर क्या साइंस कॉमन आ जा रहा है साइंस आपका कॉमन आ जा रहा है और अंदर क्या दिख रहा है वो सुनिएगा सर तो इस तरफ दिख रहा है ए डी और ए बी इस तरफ दिख रहा है ए डी एंड ए बी का प्रोडक्ट और इस तरफ क्या दिख रहा है सर इस तरफ दिख रहा है बी सी एंड सी डी का प्रोडक्ट इस तरफ दिख रहा है बी सी एंड सी डी का प्रोडक्ट तो इस तरीके से आपको चीजें दिख रही होंगी नजर आ रही होंगी या समझ आ रही होंगी क्या कि इनमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट है स्टूडेंट्स आई होप बहुत सुलझी हुई सी स्टेप्स हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मतलब दो तीन बातें बड़ी सिंपल सी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनेगा पहली बात जब भी साइक्लिक क्वाडरल्टरल का कोई एरिया आपसे पूछता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो किस तरीके से जो भी एंगल आपको पता चल पा रहा है जो भी एंगल आपको चलता रहे, पता चल पा रहा है जैसे मान लो सी एंगल पता चल पा रहा है तो अब सी एंगल के परस्पेक्टिव से आप क्या सोचेंगे हाफ साइंस ही तो आप, तो आप, तो आप निकालेंगे लेकिन सी एंगल के परस्पेक्टिव से अब आप सी एंगल के परस्पेक्टिव से सोचना ए डी और ए बी मतलब कौन कौन स्टूडेंट सी एंगल्स के अपोजिट कौन कौन से थे ए डी और ए बी इनका प्रोडक्ट किया प्लस फिर क्या बच जा रहा है बी सी एन सी डी तो बी सी एन सी डी इनका प्रोडक्ट क्या क्या इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट है स्टूडेंट्स आई होप बड़ा सुलझा हुआ सा एक्सप्रेशन है कोई डाउट या हेजिटेशन या फ्लक्चुएशन नहीं है अगर ये बात समझ आई तो बस यही बात आपको यहाँ पर लिख कर कहने की कोशिश की गई है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है पी क्यू आर एस अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है पी क्यू आर एस है ना तो अगर आपको कोई भी एक एंगल पता चल रहा है जैसे लेट्स से क्यू एंगल पता चल रहा है तो आपने क्या किया बहुत ध्यान से सुनेगा हाफ साइन क्यू इस क्यू एंगल का साइन निकाला फिर क्या किया बहुत ध्यान से सुनेगा इसके लिए ए बी अब क्यू के अपोजिट कौन है क्यू के एडजस्टेंट कौन है क्यू किन से बन रहा है ए बी से और उनके अपोजिट कौन है सी डी तो आपने इन ए बी और सी डी के प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया इस तरीके से आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है ये बहुत क्लियरली अच्छे से डिटेल्ड मैनर में आप समझ पाए विद दैट स्टूडेंट्स अगर थोड़ी और स्टोरी को कंटिन्यू करें थोड़ी और कहानी बिल्ड करें तो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था पहला कंसेप्ट तो आई होप ये क्लियर है कि सर किसी भी साइकिल एक कॉर्डर लाटर का एरिया निकालना है तो बेशक हम इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल देंगे बट जैसा हमने ट्राएंगल में पढ़ा था कि आपको याद है अराउंस फॉर्मूला कि सर ट्राइंगल में एक फॉमूला हुआ करता था कि किसी भी ट्राएंगल की अगर तीनों साइड्स दी गई हैं किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स दिए हैं तो हम उसकी सेमीपेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू निकाल लेंगे और सेमी सेमीपेरीमीटर के फॉर्मूले से एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिखकर हम ट्राइंगल का एरिया लिख सकते थे बस इसी फॉर्मूले का एक और एक्सटेंडेड वर्जन आपके सामने आता है कि सर अगर आपको किसी साइक्लिक माइडियन किसी साइक्लिक क्वार्टर का एरिया पूछा जाए तो उस केस में आप बहुत ईजीली निकाल सकते हो एम रियली सॉरी अगर ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वार्टर है तो आप एरिया जो लिखोगे वो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स एस माइनस ए है ना एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस माइनस डी

एरिया ऑफ असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या ये प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा आई होप ये दोनों फॉर्मूले आप भूलेंगे नहीं और इन्हें अच्छे से अपनी मेमोरी में स्टोर करेंगे एंड मेरा यकीन है आपने चीट शीट पर तो लिखी रहे हैं जो चीट शीट आप फॉर्मूले की बना रहे हैं और जिसे आप मेरा यकीन है डेली रिवाइज़ कर रहे हैं अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो और आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं एक और बात बहुत ध्यान चुनेगा खैर इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो हम यूज़ नहीं करेंगे बट फिर भी इसे समझ लीजिए सरकम सर्कल पहली बात तो ये पहले एज अ फैक्ट समझ लीजिए कि सरकम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ऑल्सो द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर बड़ी सिंपल सी सुलझी सी बात में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर मान लो दर इज अ ट्रेट से ट्रैंगल है ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेट से एक ट्रेंगल है सर ठीक है सर ये हो जाता है क्या ट्रैगल अब इस ट्रैंगल पर मान लो एक सर्कल है इस ट्रैंगल पर एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइब सर्कल है ऑफकोर्स ये सर्कल कैसा है स्टूडेंट ये सर्कल जो है ये एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है ना आई होप ये बात आपको समझ आई इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से तो सर ये जो सर्कल है ये कोइंसिडेंटली अफॉर्चुनेटली एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है मतलब इस सर्कल की खास बात क्या है कि ये सर्कल ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसिस से पास होता है है ना और ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसिस और ट्राइंगल है सर पी क्यू आर तो ऑफकोर्स एक ट्राइंगल का सर्कम्स्क्राइब सर्कल था सर इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके कॉर्डिलेटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किस तरीके से कि लिथ से इस पेरीमीटर पर कहीं भी मैं एक पॉइंट ले लेता ले हूँ लिथ से एस तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं पी को एस तक कंटिन्यू कर रहा हूँ और आर को भी ऐस तक कंटिन्यू कर रहा हूँ तो इससे फ़ायदा क्या हुआ इससे कुछ एक नई चीज़ दिखी हमें पी क्यू आर एस तो आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि जो पी क्यू आर एस का सरकम सर्कल सरकम सर्कल है वही कोइंसिडेंटली पी क्यू आर का भी है और होना तय है ना नॉट जस्ट दैट वही कोंडेंटली एस पी आर का भी होगा ना सिर्फ एस पी आर का होगा बट अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको वही सर्कल वही सर्कल आपका इस सर इस ट्रैंगल एस क्यू आर और एस पी क्यू इन ट्राइंगल्स का भी ये सरकम सर्कल दिखेगा आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है बिना किसी हेजिटेशन या कन्फ्यूजन के बस यही बात यहाँ पर लिखी गई है और इसमें मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं है और सरकम रेडियस ऑफकोर्स क्या होगी पी क्यू आर एस की कैपिटल आर हम उसे भी कैपिटल आर से ही डिनोट करेंगे अभी क्या अभी एक छोटी सी बात अगर अगर हमें पता है साइट तो इस तरीके से आप उस सरकम रेडियस को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स सारे जो भी आपके साइड्स हैं जैसे क्या हो जाएगा ए सी बी डी ए डी बी सी ए बी सी डी पहले याद आने वाले हैं इनका सम करेंगे और डिनोमिनेटर में वही है फार्मूला वाला आपका एरिया का फॉर्मूला यानी टेक्निकली कुछ नहीं है सारी साइड्स का जैसे वहां याद है स्टूडेंट्स हम निकाला करते थे आर जो निकालते थे वो क्या होता था एरिया मतलब प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ए बी सी और डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल सेम बात यहां पर करने वाले हैं यहाँ पर आप टू साइड्स टेकन एट अ टाइम और इस तरीके से उनका प्रोडक्ट ले लेंगे और सम कर लेंगे और उसी उसी के पार्ट को आप क्या कर देंगे उसी के पार्ट को आप डिवाइड करेंगे ए से फोर टाइम्स और इस तरीके से आप क्या निकालेंगे इस तरीके से आप सरकम रेडियस निकालेंगे है ना विद दैट स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ आई एक्सेप्ट चैप्टर थोड़ा सा फॉर्मुले के टर्म्स में बहुत ज्यादा कंसोडेटेड है थोड़ा सा ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है क्योंकि फॉर्मुले कई सारे हैं फॉर्मूले बहुत सारे है ना बेसिक सी स्टैंडर्ड सी अंडरस्टैंडिंग भी आप रखेंगे तो क्वेश्चंस कर पाएंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में बस मैं पढ़ा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको पता हो ताकि चीज़ें आपको हमेशा याद रहें विद दैट स्टूडेंट्स अगर अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझें तो एक और बड़ी ज़रूरी सी बात निकल कर आती है विच इज़ नोन एज टॉलमीज थियोरम यहाँ पर पी साइलेंट होता है इट इज़ नोन एज टॉलमीज थियोरम नाउ वो इज टॉलमीज थियोरम साइक्लिक क्वारल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है बहुत ध्यान से सुनिएगा इन a साइक्लिक quadrilateral PQRS, क्यू आर एस द प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल्स द प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मजेदार सी बात है सुनेगा बहुत ध्यान से ध्यान से सुना स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या है एक पूरा साइक्लिक क्वाडर अब इसमें डायगनल्स क्या हैं स्टूडेंट्स डायगनल से क्यू एस और पी आर तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपके डायग्नल्स हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है मतलब अगर आप पी क्यू और आर एस दिख रहा होगा आपको आई होप पी क्यू आर एस और क्या पी एस और क्यू आर पी एस और क्यू आर इनके प्रोडक्ट के सम के ये हमेशा इक्वल होता है ये हमेशा ट्रू होता है एस आर एस अ साइक्लिक इज लेटरल आप हमेशा ये बात याद रखिएगा स्टूडेंस तो बहुत जरूरी बात है जैसे कि मान लो मान लो बस एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना जैसे कि मान लो अगर आपके पास एक लिथ है साइक्लिक क्वारल लेट्रल है ना अब मान लेते हैं सर कि हमारे पास एक साइकिलिक ऑर्डर है जैसे कि अगर ये साइकिलिक ऑर्डर है तो कुछ चीज़ें ऐसी लत से दिख रही होंगी है ना अब मान लो मुझे क्या बोला जा रहा है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरी सी बातें दे दी जा रही हैं बोल दी जा रही हैं कह दी जा रही हैं जैसे कि सर मान लेते हैं ये जो लिखा हुआ है ये जो 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 डायगनल है, है ना इस डायगनल की लेंथ लेट से ये हमारे पास ओवरऑल ये साइड्स हैं ऑफकोर्स ए बी सी डी है ना और ए बी सी डी में मुझे कुछ वैल्यूज दे दी जा रही है रैंडम सी रैंडम सी वैल्यूज कैसे दे दी जा रही है जैसे मान लो ये लिखा हुआ है टू है ना ये लिखी हुई साइड लेट से थ्री ये लिखा हुआ है लट से फोर और ये लिखा है लेट से टू वापस है ना और एक और छोटी सी बात लेट से वो इस डायगनल की लेंथ भी आपको दे, दे देता है वो इस डायगनल की लेंथ भी आपको दे देता है और दूसरे डायगनल की लेंथ पूछता है जैसे इस डायगनल की लेथ से वो लेंथ दे देता है थ्री पहली बात तो मैंने बहुत ही रैंडम सी चीज़ें ली हैं मतलब मैंने कुछ भी रैंडम सी वैल्यू ले ली है इसमें आई होप आपको कोई हेजिटेशन या डाउट नहीं है जैसे मान लो इस डायगोनल की लेंथ हम मान लेते हैं फाइव फॉर अ फाइल है ना बस ऐसे ही मान ली मैंने कोई रैंडम सा डेटा लिया बस आपको समझाने के लिए और मान लो पूछ रहा होता आपसे इस बी डी डायगनल की लेंथ तो आप कैसे निकालते हो वो क्या पूछ रहा होता स्टूडेंट स्टूडेंट्स आपसे इस बी डी डायगनल की लेंथ पहली बात तो पहली कंडीशन क्या कि ये कैसा क्वारिलेटरल होना चाहिए ये जो ए बी सी डी आपका क्वारिलैटरल है ये कैसा क्वारडिलेटरल होना चाहिए सर ये साइक्लिक क्वारिलेटरल होना चाहिए पहली कंडीशन और फिर उस केस में हम किसके बारे में सोचेंगे सर उस केस में हम टॉलमीज थ्योरम है ना हम टॉलमीज थ्योरम अप्लाई करने का सोचेंगे कैसे सोचेंगे इस बारे में बात करते हैं बड़ी सिंपल सी बात है सर दोनों डायग्नल्स का प्रोडक्ट तो एक डायग्नल तो कौन है सर बी है ना और दूसरा डायग्नल कौन है स्टूडेंट्स ए सी क्या आपको दिख रहा है सर ये जो डायग्नल्स का प्रोडक्ट होता है किसके सम के इक्वल होता है अपोजिट साइज़ के प्रोडक्ट के सम के इक्वल यानी ए बी और सी डी का प्रोडक्ट क्या स्टूडेंट्स ए बी और सी डी का प्रोडक्ट प्लस एक और अपोजिट साइड्स का पेयर कौन दिखेगा ए डी और बी सी तो यहां पर एक और कौन दिखेगा ए डी और ऑफकोर्स बी सी क्या ये बात आपको समझ आई आई होप कोई डाउट नहीं है और अगर चीजें यहां पर सीधी सीधी सी सुलझी सी दिख रही है तो आप कैसे निकालेंगे सुनिका बहुत ध्यान से सर बी डी पता है क्या सर बी डी ही पता करना है तो लेट्स कीप बी डी एज इट इज है ना बी डी इंटू फिर क्या दिख रहा है सर ए सी ए सी कितना है सर ए सी है फाइव तो लेट्स कीट इज इक्वल टू ए बी इंटू सी डी ना वोट इज ए बी इन सी डी टू इंटू थ्री दैट्स कितना टू इंटू थ्री प्लस कितना सर ए डी इंटू सी बी है ना ए डी इंटू सी बी कितना फोर इंटू टू तो इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगे. आई होप ये बात आपको समझ आ रही है फिर क्या फ़ोर इंटू टू कितना होता है स्टूडेंट सर फोर इंटू टू होता है एट टू इंटू थ्री होता है सिक्स एट प्लस सिक्स कितना हो जा रहा है सर एट प्लस सिक्स हो जा रहा है uh, 14 आई बिलीव है ना तो अगर आप बी डी जानना चाहते हो अगर आप बी डी जानना चाहते हो तो बी डी होगा फोर्टीन अपॉन फाइव जो आई होप आप बहुत ईजिली निकालोगे बशर्ते इन सब में इस सब पूरी प्रोसेस के दरमियान जो कंडीशन थी वो यही रहेगी कि आपका ए बी सी डी एक साइक्लिक कॉर्डर रहना चाहिए ये बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट्स इस तो इसे मत भूलिएगा अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो एक और बहुत ज़रूरी बात विच इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन अब रेगुलर पॉलीगॉन एग्जैक्टली होता क्या है आई होप आप बात समझते हैं इस बारे में हमने थोड़ा सा एक छोटा डिस्कशन किया है प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के दौरान थोड़ा और इसे और डिटेल में समझते हैं रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या एक पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स क्या होंगे ऑफकोर्स इक्वल और अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो सर ये भी होना तय है कि इसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल रेगुलर पॉलीगन के कुछ स्टैंडर्स एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको देना चाहूँ तो क्या स्टूडेंट्स रेगुलर पॉलीगन के कुछ स्टैंडर्ड्स एग्जाम्पल जैसे कि आपका एक हो जाएगा अगर तीन साइड्स के पॉलीगन की बात करूँ मिनिमम तीन होनी चाहिए स्टूडेंट्स तो तीन साइड्स की बात करें तो सर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका या फिर उसके बाद क्या आ जाता है फिर तो उसके बाद आपका आ जाता है स्क्वायर और क्या आ सकता है सर उसके बाद अगर आप चाहें तो और आ सकता है आपका क्या पेंटागन आई होप आप बात समझ पा रहे हो रेगुलर होना चाहिए स्टूडेंट्स है ना ये सब क्या होने चाहिए रेगुलर क्या ये बात आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया बट आई होप आप, आप बात समझ पा रहे हो रेगुलर पेंटागन है ना तो शुड बी रेगुलर पेंटागन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से एक हद तक रेगुलर पेंटागन तो इस तरीके से आपके ये रेगुलर हैं रेगुलर का मतलब क्या है स्टूडेंट बहुत ज़रूरी बात कि सर पहली बात है साइड्स इक्वल लेंथ की हैं अगर ये साइड्स हैं तो इन सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है और हम ये जानते हैं सर किसी भी पॉलीगन में अगर साइड्स जो हैं अगर जो साइड्स हैं वो अगर इक्वल लेंथ की हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं यानी सर इन सारे पॉलिंग्स में अगर ट्रा की बात करें तो ट्राइंगल्स के जो भी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है उसको अगर नंबर ऑफ साइड्स से नंबर ऑफ़ एंगल्स से डिवाइड कर दें तो हर एक एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या प्रॉपर्टी आपको पता है आई होप इसमें कोई डाउट या फ्लक्चुएशन या हेजिटेशन किसी भी स्टूडेंट को नहीं है ये बाय द वे रेगुलर मतलब पेंटागन नहीं बन पाया क्योंकि उसमें वो एंगल मुझे क्लियरली 90 डिग्री दिख रहा है मतलब मैंने बहुत प्रॉपरली उसे ड्रॉ नहीं किया बट आप समझ पा रहे हो ना ये कुछ ऐसा सा हमें दिखता है ये कुछ ऐसा सा बनता हुआ दिखता है अगेन मैंने बहुत प्रॉपर्ली नहीं बनाया बट आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो तो इस तरीके से आप रेगुलर पेंटागन बना पाओगे काम की बात पे आते हैं स्टूडेंट्स काम की बात क्या है काम की बात यह है कि सर इसमें चीज़ें कैसे हो रही होती हैं इसमें चीज़ें कैसे दिख रही होती हैं उस फिगर को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे उस फिगर को ही हम कंटिन्यूमेशन में लेंगे पर अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ आते हैं जहाँ पर हमने सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशो निकाला था मैंने उल्टा बोल दिया हमने इन रेडियस और सर्कम रेडियस जो भी रेशो था फ़र्क नहीं पड़ता उसका रेशो निकालने के लिए हमने इस तरह के कंसेप्ट की यू नो हेल्प ली थी याद आ रहा है सर कि सर्कम रेडियस जो होगी वो ऑफ कोर्स आपके इन सर्कल की रेडियस होती है जो कि स, इस इस पॉलीगन की एजिस को टच करता है सर्कम रेडियस जो होगी वो आपकी क्या होगी सर्कम रेडियस जो होगी वो सर्कम सर्कल की रेडियस होगी जो ऑफकोर्स आपकी सारी पॉलीगन की वर्टाइसिस से पास होता है और इस तरीके से हमने आर और कैपिटल आर में स्ट्रिग्नोमैट्री यूज़ करके एंगल का मतलब रेशो निकाला था और उस तरीके से हमने चीज़ें वर्कआउट की थी कि आपको ये प्रॉपर्टी याद है उसी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को अगर कंसिडरेशन में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करें कुछ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट सी क्रूशियल सी बातें करें तो पहली क्रूशियल बात जो आपके काम आने वाली है इस चैप्टर में वो क्या होती है स्टूडेंट सुनिएगा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स इज

पाई ही होगा वो टू से टू कैंसिल हो जाने वाला है तो ये पाई ही होगा है ना आई जस्ट द होल फिर से सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का मतलब है आप किसी भी पॉलीगन के इस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग रेगुलर और आपको जरूरी नहीं है कि कोई पॉलीगन है वो रेगुलर ही हो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सब निकाल सकते हैं क्या आपको बात समझ आई बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कोई भी कोई भी पॉलीगोन हो ट्रायंगल क्वारल पेंटागन हेप्टागन हेक्सागन डेकागन कुछ भी हो आप उसको बहुत इजीली सारे इंटीरियर एंगल्स का सामने निकाल सकते हो जैसे मान लो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो दिस एन डिनोट्स द नंबर ऑफ साइड्स दिस एन इज नथिंग बट वॉट एन साइडेड पॉलीगन है ना सो इफ वी हैव अ एन साइडेड पॉलीगन इफ यू हैव अ एन साइडेड पॉलीगन एंड आई एम नॉट सेइंग अ रेगुलर पॉलीगन एनी पॉलीगन है ना तो एन माइनस टू टाइम्स पाई आपको देता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या ये बात आपको याद रहेगी आई होप ये पॉइंट आप याद रखेंगे अब इस पॉइंट से मेरा क्या कहना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं क्या बात आपको समझाना चाह रहा वो सुनिएगा। देखो जैसे अगर अगर ट्राइंगल हैं तो ट्राइंगल क्या होता है थ्री साइड थ्री माइनस टू वन थ्री माइनस टू वन वन यानी टू पाई पाई डिग्रीड फोर साइड्स माइनस टू टू दैट्स है ना इस तरीके से चीजें चलती चली जाती बट को इंसिडेंटली हम जानते हैं सर सर कि अगर 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 एक 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 हुआ 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 आप ध्यान से एक, एक जैसे कि मान लो आपके पास पॉलीगन है एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन अगर एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो सर क्या बोलना चाह रहे हो आप मैं कहना चाह रहा हूँ अगर एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो भी उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम बता सकते हैं क्या बिल्कुल बता सकते हैं क्या एन माइनस टू टाइम्स पाए क्या बात आपको समझ आई आई रिपीट माई स्टेटमेंट इसके भी सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा एन माइनस टू टाइम्स पाए आई होप हम सही कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें यहाँ से अगर आप टू कॉमन ले लें अननेसेसरी उन्होंने पाए बाई टू लिखा है कोई रीजन होगा खैर उसका खैर अगर वो लिखना चाहते हैं हम तो हम लिख सकते हैं एन माइनस टू टाइम्स पाई अब इन सारी बातों का मतलब क्या है इन सारी बातों का मतलब क्या है इन सारी बातों का मतलब यह है कि सर अगर एक एन साइडेड पॉलीगन में एन माइनस टू टाइम्स पाए आपका जो एंगल्स का सम है वो यह है तो क्या आप मुझे एक एंगल की वैल्यू बता सकते हो वही फार्मूला जो वहाँ लिखा है वही फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं किसी एक एंगल की वैल्यू जल्दी से ट्राई करके सीधा सीधा सा मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कि किसी भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में आप उसके एक एंगल की वैल्यू क्या लिखेंगे क्विकली राइट दिस इन द दिसमेंट स्टूडेंट्स। अब यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर किसी इसके एक एंगल की वैल्यू बताओ तो कैसे बताओगे क्या यही बात सिंपल सी इस तरीके से नहीं कही जा सकती कि सर सिंपल सी बात है रेगुलर पॉलिकॉन है तो एन साइडेड यानी एन साइड्स हैं और अगर एन साइड्स हैं तो एन एंगल्स भी होंगे और चूँकि रेगुलर है मतलब सारी की सारी एन साइड्स इक्वल होंगी तो सारे के सारे एन एंगल्स भी इक्वल होंगे मतलब अगर ये सारे एंगल्स का समय तो एक एंगल की वैल्यू क्या होगी कहना है द वैल्यू ऑफ वन एंगल विल बी नथिंग बट वॉट दिस टोटल सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एंगल्स क्योंकि सारे इक्वल हैं तो क्या मैं कह सकता हूं सर एन माइनस टू टाइम्स पाई बाय एन वुड बी द वैल्यू ऑफ वन एंगल क्या ये रीडिंग आपको समझ आ रही है आई होप अगर ये पॉइंट समझ आए मतलब मैं कहूँ आपसे सीधी सीधी सी बात इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा क्रैक करके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सीखना है देखना चाहें तो इसी फॉर्मूले को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो वही बात स्टूडेंट्स एन माइनस टू टाइम्स पाए तो आपके सामने सारे एंगल्स का जो सम आता है वो कितना आता है एन माइनस टू टाइम्स पाए और इस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ साइड से और ये देता है आपको ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स रेगुलर पॉलीगन अच्छा एक और बात एक और जरूरी बात स्टूडेंट्स यहां पर सुनिएगा द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ऑब्वियसली द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल और द सर्कम सर्कल और एक और जरूरी बात ये एक बहुत क्रूशियल सी बात है इसे आई होप आपको याद होगा हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में कि हम कैसे वर्कआउट कर रहे होते हैं साइड की लेंथ तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था मैं एक हल्की सी हिंट देता हूं आपको जो आपको लास्ट लेक्चर से याद होगी जैसे हमारा एक, एक सर्कल हुआ करता था और ओवरऑल इसमें अगर एक पॉलीगन है तो पॉलीगन की अलग अलग हम क्या कर लिया करते थे साइड जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो हेक्सागन है तो हेक्सागन कैसा दिख रहा होता है तो हेक्सागन कुछ ऐसा है ना फिर कुछ ऐसा मतलब रेगुलर हेक्सागन की मैं बात कर रहा हूँ फिर कुछ ऐसा दिख रहा होता है क्या ये बात आपको समझ आ रही बस एक हेक्सागन के एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो कोई ना कोई पॉलीगन होगा अब आप क्या करोगे अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो सर ऑफ कोर्स इसमें जो सेंटर होगा वो इस सरकम स्क्राइबिंग सर्कल इंस्क्राइब सर्कल और हेक्सागन का सेंटर सब सेम होगा यानी अगर इस सेंटर से अगर आप इन सारी वर्टाइसिस को टच करो तो आपको ऐसे कुछ मिलने लगेगा क्या बात आपको समझ आई सर एक और बात आपको नजर आएगी कि अगर आप इंस्क्राइब करो अगर आप एक सर्कल को इंस्क्राइब करते हो तो सर्कल को जैसे ही आप इंस्क्राइब करेंगे तो इंस्क्राइबिंग सर्कल कैसे होगा वो इसकी एजेस को एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगा आई रिपीट माय स्टेटमेंट क्योंकि रेगुलर है चीजें सिमेट्रिकल होंगी तो वो जो सर्कल होगा वो उसकी एजेस को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे टच करता हुआ पास हो रहा होगा तो इस तरीके से आपका इन सर्कल आपको मिल जाएगा तो सर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना ये जो <coughs> पॉलीगन है इसकी जो एज है Can I say, वो एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है तो अगर सेंटर से टेंजेंट पर आपको I I polygon, तो हम इसके एंगल्स को जानते हैं या फिर वहां से भी नहीं जाना तो आप यही से ढूंढ लो कि सर, ये पूरा कितना है ये पूरा है, degree, एक है. अगर थ्री सिक्सटी है तो यह कितना था सिक्स साइडेड पॉलिगन था थ्री सिक्सटी बाई सिक्स हर एक एंगल होगा ये कितना होगा 60 डिग्री क्या आप बात समझ पा रहे हो अगर एन साइडेड पॉलीगन होगा तो क्या होगा 360 सिक्सटी बाई एन अब इसमें छोटा सा काम यह करिए सिक्सटी बाई एन है तो ये जो आधा मतलब इस एंगल का भी जो बायसेक्शन हो जाएगा मतलब एंगल बाइसेक्टर की वजह से क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पर खैर हेक्सागन के केस में तो इक्विलैटरल बन जाएगा तो ये जो आइसो बनेगा तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स ये और हाफ हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन बाई टू यानी थ्री सिक्सटी अपॉन टू एन क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो अगर ये समझ आ रहा है थ्री सिक्स टू पाए तो टू पाई अपॉन टू एन यानी पाई बाय एन तो इस एंगल की रीडिंग कितनी होगी पाई बाय एन इस एंगल को आप कितना रीड करोगे पाई बाय एन एक और छोटी सी बात सर सर ये जो रेगुलर पॉलीगन है आपका इसकी जो साइड्स की लेंथ है लेट्स अगर वो हम ए मान लेते हैं तो ये जो पार्ट है ये से एग्जैक्ट बाइसेट कर रहा होगा दो इक्वल पार्ट्स में ऑफकोर्स तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी सर ये हो जाने वाली है ए बाई टू बस ये कुछ प्रॉपर्टीज ये यूज करके मतलब आप क्या प्रॉपर्टी यूज करके अगर इसकी साइड की लेंथ पता है तो हम ऑफकोर्स इसकी सरकम रेडियस और इन रेडियस दोनों बता सकते हैं सिंपल से आपको साइन कॉस और टेन में डील करना है और आपका आंसर आ जाएगा मतलब आप स्मॉल आर भी निकाल सकते हो कैसे सर ये एक हमारा राइट एंगल ट्रैंगल है इस राइट एंगल ट्रैंगल में मुझे परपेंडिकुलर चाहिए मुझे बेस पता है a/2 तो आई थिंक sin थीटा आप लगा लेंगे सर सिमिलरली अगर मुझे क्या चाहिए मुझे यहाँ पर सर दिया हुआ है कैपिटल r निकालने मिला मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए और मुझे वापस क्या पता है बेस तो आप cos थीटा लगा लेंगे तो आई होप आप बात समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से इसी तरीके से ये निकलेंगी बिल्कुल तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है ना अमरेली सॉरी थीटा नहीं इस वाले केस में आप थीटा लगाएंगे मैं वही बात सोच रहा था यहाँ पर जो लगा हुआ है ये कितना है स्मॉल आर मतलब ये क्या है कि इन रेडियस परपेंडिकुलर और ये क्या होगा ऑफकोर्स बेस ए बाई टू तो परपेंडिकुलर और बेस यानी थीटा तो थीटा की हेल्प से आपका क्या निकल जाएगा इन रेडियस और हाइपोटेन्यूस और बेस यानी क्या स्टूडेंट्स कॉस कॉस की आपकी क्या निकल जाएगी सरकम रेडियस तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑफ कोर्स जो दिखेगा वो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स अगर सरकम रेडियस की बात करें तो वही हमारी ए बाई टू आपकी जो साइड है यानी बेस और उसमें अगर कॉसिक पाई बाय वही एंगल जो रीडिंग हम बात कर रहे थे अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो आपको साइड की लेंथ की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगी आपको मिल जाएगी आपकी सरकम रेडियस आई होप आप ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी याद रखेंगे और उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से तो नहीं है ये फॉर्मूला बहुत क्रूशियल है स्टूडेंट्स इसे याद रखिएगा

आप इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस भी दे सकते हो जिसे हम जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो इट शुड बी स्मॉल आर क्या ये बात आपको समझ आई अच्छा एक और बात द सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन द रेगुलर पॉलीगन मतलब कैसे कि वो सारी एजेस को टच कर रहा होगा तो सारी साइड्स को अगर वो टच करे तो अफकोर्स वो कैसा होता है वो होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल आई होप ये दोनों बातें आपको याद हैं हमने इन पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है सर्कम और इंस्क्राइब्ड अगर ये बातें समझ आई तो सर और क्या चीज़ और एक और बात एक रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैसे निकाला जाता है बहुत मज़ेदार सी बात है स्टूडेंट्स रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए अगेन मैं सेम बात आपका दिलाना चाहता हूँ जैसे कि सर मान लो अगेन मैं एक हेक्सागन के एग्जाम्पल्स आपको दिलाना चाह रहा हूँ कि देखो रेगुलर पॉलीगन में चीज़ें बहुत चार्टेट सी होती हैं जैसे एक रेगुलर हेक्सागन है मान लो तो सर रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है कि आप अगर आप रेगुलर हेक्सागन का सेंटर निकाल लें अगर आप रेगुलर हेक्सागन का सेंटर निकाल लें और सेंटर को अगर आप सारी वर्टाइस से टच करते हैं ये सारे रेगुलर पॉलीगन के लिए ट्रू है स्टूडेंट्स याद रखेगा तो एक्चुअली ये जो सेंटर होता है ना ये इस रेगुलर पॉलीगन को उतने एन कांग्रुएंट सिमिलर ही नहीं कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम लेंथ साइड वगैरह एंगल वगैरह सब कुछ सेम उतने एंगल्स उतने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है मतलब सर अगर ये है ओ ये है ए और ये है बी तो हेक्सागन को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सिक्स पार्ट्स में तो सर आप ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकाल लीजिए और उसको उसको आप नंबर ऑफ ट्रायंगल से यानी उस नंबर ऑफ साइड से क्योंकि अगर एक है तो दो तीन चार पाँच छः तो जितनी साइड से उतने ट्राइंगल्स बनेंगे सेम पेंटागन सेम रेगुलर हेक्सागन सेम रेगुलर कोई सा भी पॉलीगन के लिए होगा बस मैं एक हेक्सागन के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ तो आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालिए और नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको पूरे रेगुलर पॉलीगन यानी इस केस में हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा तो क्या आप ये बात याद रखेंगे एक तरीका तो क्या एन इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी बस इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हुए कुछ और वर्जन बने जैसे कि पहली अगर मैं बात करूँ ये वही है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए भी तो ओ ए बी एरिया ट्राइंगल निकालना चाह तो ये हो जाएगी आपकी क्या साइड हाफ और ये हो जाएगी दूसरी साइड तो इस तरीके से आप निकालोगे यानी कि अगर आपको साइड दी गई है अगर आपको उस पॉलीगन की साइड पता है अगर आपको उस रेगुलर पॉलीगन की साइड पता है यानी साइड की लेंथ पता है ऑफकोर्स तो आप कैसे निकालोगे आप कहोगे गया हाफ एन एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स इंटू ए स्क्वायर मतलब वही साइड का स्क्वायर इंटू कॉट पाए बा एन ये वहीं से आए स्टूडेंट्स एक आपकी दूसरी साइड एक दूसरी साइड है और इस तरीके से आपने हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी बेस इन हाइट वाले फॉर्मूले से आपने वर्कआउट किया ये वही फॉर्मूला स्टैंडर्ड्स आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो अगर मुझे सर इन रेडियस दी जा रही है अगर मुझे स्मॉल आर दिया जा रहा है तो स्मॉल आर के कॉन्टेक्स में आप कहोगे एन आर स्क्वायर टेन पाए बाईन बस वही हमने रिप्लेसमेंट किया जो हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू निकाली हो इन्हीं के टर्म्स में तो निकाली है तो अगर उन्हीं वैल्यूज को रिप्लेस कर दें तो इन रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला बन जाता है एन एन आर स्क्वायर टाइम्स टेन पाई बाय सिमिलरली सर्कम रेडियस सर्कम रेडियस के टर्म्स में भी आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हो दैट इज एन बाय टू टाइम्स आर स्क्वायर टू पाई बाय एन आई होप ये बातें भी याद रहेंगी इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसी के साथ रियली सॉरी really यहाँ पे शायद कोई एक कॉट या टेन भी आएगा एक बार इस वाले पार्ट को हम वेरीफाई करते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं इस वाले पार्ट को देखेंगे स्टूडेंट्स पर उससे पहले एक बार आप ट्राई करिए कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है क्विकली ट्राई बस इस फॉर्मूले में यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आ जाने वाला है स्टूडेंट्स की जब आप सर्कम रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे जब आप सर्कम रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे सो दैट विल बी एन बाय टू टाइम्स ऑफकोर्स आर स्क्वायर और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है आपका जो टू पाई बाय एन लिखा है इसका आप लेंगे साइन रेशियो दिस विल बी साइन टू बाई टू पाई बाय और इस तरीके से आप सरकम रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूला निकालेंगे अगर यह कैसे आ रहा है पता करना है तो बड़ी सिंपल सी बात हाफ बेस हाइट और वहां पर एक की वैल्यू ए वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए आपके सरकम रेडियस एक्सप्रेशन से जो हमने हमने निकाली थी याद करिए स्टूडेंट्स सरकम रेडियस में और ए में एक रिलेशन निकाला था वाला तो एक की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए बस वही वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर आपका यह एक और फार्मूला बनकर आ जाएगा आई होप ये तीनों फॉर्मुले आपको समझ आए सीधे सीधे से फॉर्मुले पहला फार्मूला ऑफकोर्स इन टर्म्स ऑफ साइड दूसरा इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस और तीसरा इन टर्म्स ऑफ

इस सर्कल में सर ऑफ कोर्स सेंटर होगा और सर्कल की अपनी एक क्या होगी रेडियस है ना जैसे मैं इसे अभी फिलहाल कह देता हूँ कैपिटल आर्थ कोई डाउट है स्टूडेंट्स अभी क्या अभी मान लो इस रेडियस को इस लाइन इस को मैंने किसी थीटा डिग्री एंगल से घुमाया किसी थीटा डिग्री एंगल से घुमाया तो यहाँ आ गई ये भी लाइन आ रही है तो ये जो ये जो बना ये इस आर्क के अंदर और इन दोनों रेडियस के अंदर ये जो जोन बना इसे आप कहते हो सेक्टर है ना अगर मैं इसे कह दू सेंटर ओ इसे कह देता हूँ पॉइंट ए और इसे कह देता हूँ बी तो ये जो आपका सेक्टर है कौन सा सेक्टर स्टूडेंट सेक्टर ओ ए बी हम इसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हैं क्या बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स सर ये कैसे निकालेंगे आप बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स बहुत ही बेसिक सी बात है अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स की लेकर चल रहे हो तो ये बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है आप यूनिटी रूल अप्लाई करो यूनिटी रूल क्या होता है सर एक बात बताओ पूरे 360 डिग्री का पूरे 2 पाई मतलब 360 डिग्री का कितना होता है अगर मैं रेडियन में रीड कर रहा हूं तो 2 पाई और अगर आप डिग्रीज में रीड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स 360 डिग्री तो सर जहां तक मुझे पता है पूरा अगर थ्री डिग्री का एंगल घुमा रहा होता गिर ठीठा पूरा घुमा रहा होता मतलब पूरे सर्कल का एरिया और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है सर पूरे सर्कल का एरिया होता है हमरेली सॉरी मैं सरकम पेरीमीटर लिखने चला था तो दैट्स पाई आर स्क्वायर क्या बातें आपको याद है सर अगर पूरे थ्री सिक्सटी डिग्री का एरिया एक होता है तो आप मुझे वन डिग्री का एरिया बता सकते हो सर वन डिग्री का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाय थ्री सिक्सटी डिग्री लेकिन सर हम वन डिग्री का एरिया नहीं निकाल रहे हम तो थीटा डिग्री का एरिया निकाल रहे हैं समझ पा रहे हो ना पूरा घुमाया होता तो पाई आर स्क्वायर वन डिग्री होता तो दिस तो सर मुझे तो थीटा डिग्री का चाहिए ना तो थीटा डिग्री का एरिया कितना होगा सर थीटा डिग्री का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ऑफ कोर्स ठीटा बाय थ्री सिक्सटी क्या ये बात आपको समझ आई तो ये उसका प्रोपोर्शन है कि सर इतना प्रोपोर्शन मतलब अगर 45 डिग्री है तो ऑफ कोर्स वन एट्थ नाइन्टी डिग्री है तो वन फोर्थ वन एटी डिग्री है तो हाफ मतलब जितना भी उसका प्रोपोर्शन है ये निकाल कर दे देगा क्या ये बात आपको समझ आई बड़ी सुलझी हुई सी सॉर्टेड सी डायरेक्ट सी मैं बातें आपसे कर रहा हूँ यही यहाँ पर कहने का उनका मतलब है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर आप इस तरीके से निकालते हैं वहाँ पर उसने पाए को थ्री से कैंसिल किया तो आर स्क्वायर हीटा बाई यही बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ये जो पाए है आपका ये पाए हो जाता है कितना 180 तो वहाँ पे 360 से कैंसिल करके 360 का रेडियन वर्जन उसने लिखा और उस तरीके से कैंसिल करके आपका उसने और सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दिया कैसे स्टूडेंट्स पाई से 360 मतलब टू टाइम्स तो ये हो जाता है आर स्क्र ठीटा बाई टू तो है ना आर ऑफकोर्स आपकी स्मॉल आर मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको हम स्मॉल आर ही ले लेते ले हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए तो ये वही फॉर्मूला बन जा रहा है स्टूडेंट देखो आर स्क्र ठीक बाई टू क्योंकि पाई से थ्री सिक्सटी डबल टू टाइम्स कैंसिल हुआ क्या ये फॉर्मूला आपको समझ आया आई होप बहुत डिफिकल्टी बातें मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट जब भी किसी सेक्टर की बात हो रही है तो सेक्टर आप समझ हैं कि सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का एरिया मेरे ख्याल से डिफिकल्ट पार्ट नहीं है लेकिन इस फॉर्मूले में याद रखना कि थीटा आपका किस फॉर्म में दिया होना चाहिए थीटा डिग्रीज में ना हो थीटा किस में होगा रेडियंस में अगर थीटा डिग्री में है तो क्या करेंगे अगर थीटा डिग्री में है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले पर आ जाइए ये आपका और शॉर्टकट सा फार्मूला है क्या दोनों बातें याद रहेंगी विद दैट स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें तो एक और बात निकालते हैं एक और बात समझते हैं एरिया ऑफ अ सेगमेंट ना वोट डू यू मीन बाई एरिया एरिया ऑफ अ सेगमेंट मतलब एरिया बिटवीन अ सर्कम फेरेंस एंड अ कॉर्ड इज गिवन बाय मतलब क्या सर सेक्टर और सेगमेंट में छोटा सा फर्क है वही सेक्टर को सेगमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स स्टूडेंट सर ये हमारा है एक सर्कल इस सर्कल में मान लो कहीं ना कहीं कॉर्ड है सर्कल में कहीं ना कहीं लच्स कॉड है है ना ये कॉर्ड है सर और क्या किया सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड को कनेक्ट किया इस सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड के इन एक्सट्रीम्स को कनेक्ट किया तो ऐसा कुछ एक जोन बना है ना अगर इसमें मैं ये आर्क वाला पार्ट भी ले लेता तो क्या बन जाता वो सेक्टर लेकिन ये क्या है सेगमेंट सेगमेंट मतलब क्या सेगमेंट मतलब ये वाला अमरेली सॉरी सेगमेंट मतलब स्टूडेंट्स ये वाला जोन ये जो जोन है आपका ये क्या बन जा रहा है सेगमेंट देखो क्या बोल रहे हो एरिया बिटवीन अ सर्कमफेरेंस अमरेली सॉरी वो सेगमेंट नहीं है फिर से डेफिनेशन सुनिएगा एरिया बिटवीन द सर्कम्फेरेंस एंड अ कॉर्ड तो सर कॉर्ड ये आपकी कॉर्ड है स्टूडेंट्स है ना मैंने ये ट्राइंगल किसी पर्पज से बनाया टेल यू दैट ये आपकी कॉर्ड है स्टूडेंट्स और इसकी सरकमफेरेंस ये आपकी सरकमफेरेंस है तो so सरकम और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता given, है दैट इज गिवन और दट इज़ नोन एज सेगमेंट क्या ये पॉइंट आपको समझ आए एंड डू आई नीड टू टेल यू स्टूडेंट्स की अगर सर मुझे सीधी सीधी सी बातें पता है बेसिक सी बातें कि सर अगर मुझे सेक्टर का एरिया पता है मुझे सेक्टर का एरिया पता है उसमें से अगर ये ट्राइंगल का एरिया सब्रैक्ट कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा बस वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया गया है बस उसी को कर देने भर से आपका सेगमेंट का एरिया आ जा रहा है ये वही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है सीधा सीधा सा आप याद करिए देखो ऐसे अगर सर ये एंगल कितना है सर अगर ये एंगल ठीठा है अगर ये एंगल ठीठा है है ना सर्कल की रेडियस है आर तो ये रेडियस भी आ है तो क्या मुझे इस ट्रैंगल ए बी सी का आप एरिया बता सकते हो है ना बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट सेगमेंट है ना मैं सेगमेंट का एरिया जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे जो सेगमेंट है वो सेगमेंट क्या है वो सेगमेंट है सर सेक्टर में से आप ट्राइंगल माइनस कर दो क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए सेक्टर क्या है सर सेक्टर का एरिया अभी निकाला कितना आर स्क्वायर ठीटा बाई टू आपको याद आ रहा है सर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ और सर दो साइड्स तो दो साइड्स हैं आर और आर तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू उनके बीच के इंक्लूडिंग एंगल का साइन तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा आई होप ये बात आपको समझ आई अब बड़ी सिंपल सी बात है आर स्क्यर बाई टू आर स्क्यर बाई टू दोनों जगह कॉमन तो ये कॉमन और थीटा माइनस साइन ठीटा आपको बच जाएगा क्या आपको सीधा सीधा फॉर्मूला समझ आ रहा है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे बहुत टफ बहुत डिफिकल्ट बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ और इसी के साथ अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो अब एक जरूरी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे एक इंपॉर्टेंट सा क्रूशियल सा क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर चीज़ें कैसे वर्कआउट की जा सकती हैं क्या लिखा है पहले वो समझिए स्टूडेंट्स एक जरूरी सी बात आपके पास लिखी हुई है द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन तो सर एक सर्कल है और एक रेगुलर पॉलीगन है पॉलीगन कितनी साइड्स का है इन साइड्स का और इसकी पेरीमीटर है इक्वल टू दैट ऑफ द सर्कल आर इन वॉट रेशो क्या क्वेश्चन आपको समझ आया मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़े खुद से समझें और ट्राई करें और जितनी भी चीज़ें इसमें अप्लाई होनी है वो सब आपको पता है हर एक चीज आपको है, हर एक बेसिक आपको पता है इवन आई आई एम जेन्यनली टेलिंग यू कि अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से समझाया तो ये कंसेप्ट आप आसाम आराम से वर्कआउट कर सकते हो उस क्वेश्चन में कि कैसे अप्लाई होगा तो जल्दी से ट्राई करिए अप्रोच लिखिए कॉमेंट में और आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है क्विकली गिविर ट्राई स्टूडेंट्स देखो क्या लिख रहा है वो समझते हैं वो कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स ठीक है एंड 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 एक और जरूरी बात वो कह रहा है इट्स पेरीमीटर जो सर्कल की पेरीमीटर है इज इक्वल टू अमरेली सॉरी द पॉलीगन द पॉलीगन की जो पेरीमीटर है इज इक्वल टू दैट ऑफ इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल तो ये किस रेशो में कौन कौन स्टूडेंट्स द एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन तो सर्कल और पॉलीगन का एरिया किस रेशो में है वो ये पूछ रहा है कब सर तब जब पॉलीगन की पेरीमीटर इक्वल है सर्कल की पेरीमीटर के ठीक है सर दो तीन चीजों पे काम करते हैं मैं मान लेता हूं सर कि जैसे जो पॉलीगन है जो पॉलीगन है उसके अंदर मान लेते हैं दैट द पॉलीगन इज एन साइडेड है ना सो कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स द पेरीमीटर ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन आई होप ये बात आप बता सकते हो बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है सर क्लियर सी बात है अगर अगर पॉलीगन की साइड की लेंथ ए मान लेता हूं अगर पॉलीगन की साइड की लेंथ ए मान लेता हूं तो अगर उसमें साइड्स हैं तो कितनी होगी डिफिकल्टी बात मैं नहीं कह रहा हूँ एक और बात इज इक्वल टू दैट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट दे सर्कल की जो पेरीमीटर है वो इसके इक्वल है अच्छा सर सर्कल की पेरीमीटर कितनी होगी सर सर्कल की अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं है ना सर्कम या पेरीमीटर आप जो भी कहें सो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल वो हम जानते हैं सर सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है तो टू पाई आर तो सर्कल की पैलीमीटर है टू पाई आर ये भी बात आपको समझ आई इसके थ्रू आपको क्या कहना चाह रहे हैं इसके थ्रू आपको हिंट देना चाह रहे हैं किसके बीच में एक रिलेशन देना चाह रहा है किस किसके बीच में रेडियस सर्कल की और पॉरीमीटर मतलब साइडेड जो पॉलीगन है उसकी साइड में क्या ये बात आपको समझ आई मतलब ये दोनों इक्वल है सर अगर ये दोनों इक्वल है मतलब क्या ये दोनों इक्वल है मतलब वो कहना चाह रहे हैं एन ए जो है एन ए जो है वो टू पाई आर के इक्वल है क्या ये बात आपको समझ आई ये रिलेशन हम अपने पास रखते हैं इसमें जो भी काम करना होगा हम करेंगे बट फिलहाल अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली exactly वो आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं वो पूछ रहा है एरिया ऑफ द सर्कल क्या आप मुझे सर्कल का एरिया बता सकते हो सर बहुत टफ बात है ही नहीं सर्कल का एरिया कितना होगा तो सर सर्कल का जो एरिया होगा है ना वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है लेकिन अब सर प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे निकालेंगे सर प्रॉब्लम है एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ये कैसे वर्कआउट करनी मेरे ख्याल से बहुत टफ काम नहीं है अगर आप चीज़ें जानते हैं तो फिर भी अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो मैं याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें अगर रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालना है तो सर उसके एक उसके एक जो ट्राइंगल बन रहा होता है आप उसका एरिया निकाल लेते हो और फिर बाकी सारे चीज़ें इजीली आ जाती है और इसके बारे में हम बात करें तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया हम साइड की टर्म्स में बता पा रहे थे याद करो स्टूडेंट्स दो तीन जरूरी बातें दो तीन बहुत ज़रूरी बातें सर मुझे जितना याद है मैं एक पूरा बेसिक आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूले ना भूलें सर जितनी बात मुझे याद है सर ये जो एंगल हुआ करता था एंगल हो जाता था पाई बाई एन क्या आपको बात याद है और सर ये जो लेंथ हुआ करती थी ये जो लेंथ हुआ करती थी ये लेंथ होती थी ए बाई टू होप ये भी, भी बात आपको याद है ऑफ ऑफकोर्स सर ये जो होती थी सरकम रेडियस और ये हम सॉरी ये इन रेडियस और ये सरकम रेडियस ये सारी बातें एक तरफ मुझे तो सर चाहिए कि, कि आप मुझे एरिया बता सकते हो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट सीधा सीधा तरीका ये क्या होती थी सर ये होती होती थी सरकम रेडियस क्या आपको ये बात याद है सर अगर ये होती थी सरकम रेडियस है ना तो इस ट्राइंगल के एरिया में कहूँगा हाफ

एक एरिया एक एक ट्राइंगल का एरिया है ना अगर पूरे पॉलीगन का एरिया चाहिए अगर पूरे पॉलीगन का एरिया चाहिए तो एक ट्राइंगल के एरिया में जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे कितने एन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या ये बात आपको समझ आ रही है आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ये पूरे आपके पॉलीगन का एरिया हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस लेकिन सर सर्कम रेडियस नहीं पता है इसकी हमें साइड की लेंथ पता है ठीक है मेरे ख्याल से आप आर और ए बाई टू में रिलेशन बता सकते हो क्या सर अगर ये तो ऑफकोर्स पूरा टू पाई बाय है लेकिन अगर ये एंगल पूछू तो एंगल कितना है सर ये एंगल है पाई बाय एन पहली बात तो एंगल पाई बाय एन है आप सुनिएगा ध्यान से एंगल के सामने वाली साइड आई रिपीट माय स्टेटमेंट एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूस पता है मतलब आपको क्या पता है साइन पाई बाय एन पता है आपसे अगर मैं पूछूं कि साइन पाई बाय एन यहाँ से क्या होगा तो आप क्या बोलोगे सर साइन पाई बाय एन जो होगा वो क्या होगा एंगल के सामने वाली साइड क्या आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो वो कितनी है ए बाय टू तो सर ये है ए बाई टू है ना डिवाइडेड बाई वट हाइपोटेन्यूस हाइपोटेस कितना है कैपिटल आर हाइपोटेन्यूस है कैपिटल आर तो क्या यहाँ से मैं कैपिटल आर निकाल सकता हूँ बिल्कुल आप कह सकते हो सर जो कैपिटल आर होगा

हाफ तो है ही और आर स्क्वायर अब आर स्क्वायर मतलब क्या ये वाला स्क्वायर मतलब क्या ए स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर इन साइन स्क्वायर पाई बाय एन तो कितना होगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर टू स्क्वायर यानी कितना फोर तो मैं सीधे फोर ही लिख देता हूँ ये बात आप कन्फ्यूज नहीं कर रही है ए स्क्वायर अपॉन फोर टाइम्स ये कितना है स्टूडेंट साइन स्क्वायर पाई बाय एन क्या ये बात आपको समझ आ रही है आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर पाई बाय एन और एक छोटी सी बात और क्या छोटी सी बात सर यहाँ पे साइन टू बाय बाय एन ऑलरेडी लिखा है कैसे मैं साइन टू ठीठा वाला फॉर्म बना सकता हूँ टू साइन ठीठा कॉस ठीठा बिल्कुल बना सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं टू साइन पाई बाय एन कॉस पाए बाय इस फॉर्मूले को बनते हुए बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे और इस फॉर्मूले को आप ध्यान से याद रखेगा यही फॉर्मूला वहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा था और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सर इस पूरे एक्सप्रेशन को एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो एन है ये जो एन है मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई होप ये भी बात आपको आसानी से समझ आ जा जाती है अगर मैं एन यहाँ पर ये यह लिख लेता हूँ तो क्या इतने में कोई डाउट है स्टूडेंट्स अब छोटा सा काम स्टूडेंट्स क्या सर दो तीन बहुत ज़रूरी से ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान से देखने चाहिए जैसे एक साइन पाए बाय एन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्या आपको दिख रहा है और ऑफ कोर्स ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा फाइनली तो जो चीजें बचेंगी वो क्या सरी बचेगा N 4. क्या क्या बचेगा ये पार्ट आपको दिख रहा है N 4. फिर एंड दिस इज बट वॉट द एरिया एरिया ऑफ द आपका रेगुलर पॉलीगन आई होप ये दोनों बातें समझ आई इसके अलावा अगर आपके पास एक और चीज़ है एक और चीज़ क्या है सर सर हमसे इससे किसका रेशो इस पूछा है इससे हमसे पूछा है किसका रेशो सर्कल के एरिया का ठीक है सर सारी चीजें निकाल लेंगे बहुत सॉर्टेड सा बात है लेकिन सर्कल के एरिया में पाई आर स्क्वायर दिख रहा है सर्कल के एरिया में पाई आर स्क्वायर दिख रहा है क्या स्मॉल आर का कुछ कर सकते हैं कुछ तो कर सकते हैं स्मॉल आर का क्या कर सकते हैं सर अगर यहाँ से मैं कंक्लूड करूँ तो अगर टू पाई को उस तरह शिफ्ट करें तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा सर वो जाएगा एन ए अपॉन टू पाई क्या बात आप समझ पा रहे हो सर स्मॉल आर कितना हो जाएगा वो जाने वाला है एन ए अपॉन टू पाए तो स्मॉल आर की वैल्यू एन ए अपॉन टू पाए में यहाँ रिप्लेस करता हूँ स्मॉल आर की वैल्यू एन ए अपॉन टू पाए हम यहाँ रिप्लेस करते हैं है ना लेकिन इसका क्या होने वाला है स्क्वायर तो आई थिंक ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाने वाला है और जैसे ही ऐसा सोचा तो क्या दिखेगा उस पर बात करते हैं सर सबसे पहली बात तो क्या यहाँ पे दिखेगा पाए यहाँ पे दिखेगा पाए स्क्वायर तो पहले मैं लिख हूँ एन स्क्वायर फिर मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर अपॉन ऑफकोर्स टू का स्क्वायर फोर और एक पाई से एक पाए कैंसिल तो ये बचेगा सिर्फ पाए तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपऑन फोर पाए विल बी द एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं आर की जो वैल्यू है वो ये हमारी इससे कंपेयर करके ये रिप्लेस कर देता हूँ आई थिंक हम काफ़ी क्लोज हैं मेरे आंसर के क्योंकि सर बात समझिए ये आपका किसका एरिया आ, आ रहा है सर ये आरिया ये एरिया आ रहा है आपका रेगुलर पॉलीगन का और ये एरिया किसका आ रहा है सर ये एरिया आ रहा है आपके सर्कल का तो आई थिंक दोनों का रेशो निकालना बहुत टफ टास्क नहीं है बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिएगा सर रेगुलर पॉलीगन का एरिया है ए स्क्वायर बाय एन रेगुलर पॉलीगन का एरिया है ए स्क्वायर बाय एन डिवाइडेड बाय फोर है ना और एन के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है सर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रियली सॉरी कॉट पाई बाय एन तो यहाँ लिखा हुआ है कॉट पाई बाय एन क्या ये बात आपको समझ आई और अगर इससे मैंने डिवाइड किया होता मैं डायरेक्ट अगली स्टेप लिख दे रहा हूँ अगर इसको इससे डिवाइड किया होता तो इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर में फोर पाए डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर ए स्क्वायर है ना तो न्यूमरेटर में कितना स्टूडेंट्स फोर पाए और डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर ए स्क्वायर क्या ये बात आपको समझ आ रही है आई होप बहुत डिफिकल्ट सी बातें नहीं है बहुत सीधी सी सुलझी हुई सी बातें लिखी हुई हैं ना हमने क्या लिखा न्यूमिनेटर में फोर पाया डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर बाय स्क्वायर क्योंकि इससे हमने डिवाइड किया हमारा फाइनल हम आंसर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं स्टूडेंट्स है ना अभी क्या अभी सर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जैसे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल ठीक है फोर से फोर कैंसिल क्या बात आपको समझ आई और एक और जरूरी बात कि सर एन से एक एन कैंसिल आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो सर फाइनली जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है अब हो जाने वाला है क्या स्टूडेंट्स कॉट पाए बाय एन कॉट पाए बाय एन कैसे दिख रहा है हमें क्योंकि ये दिख रहा है कॉट पाए बाय एन और इधर देखो इसके साथ क्या दिखा जा रहा है एक पार्ट दिख रहा है पाए बाय एन इसके साथ मुझे एक पार्ट और जो दिख रहा है वो दिख रहा है पाए बाय एन बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उसने क्या पूछा था हमने एक्चुअली उल्टा निकाल दिया हमने उल्टा क्या निकाल दिया हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो अगर मैं चीज़ें आपको समझाना चाहूँ चीज़ें अगर आपको समझाना चाहूँ तो हमें एक्चुअली इसको इससे डिवाइड करना था क्योंकि अगर आप आंसर को देखें अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द सर्कल तो न्यूमरेटर में एक्चुअली एरिया ऑफ द सर्कल होना चाहिए था और डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ अ रेगुलर पालिकॉन तो जो भी ये रेशो आ रहा है हम इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये रेशो क्या आ रहा है इस रेशो पर काम करते हैं ये रेशो जो आ रहा है ऑल हमने उल्टा निकाल लिया बट मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो पूछा है उसका रेसिप्रोकल पूछा है तो ये रेशो जो आ रहा है अगर मैं न्यूमरेटर को पाई बाई एन बनाकर रखूँ तो अगर कॉट पाए बाय एन जो न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो क्या हो जाता है सर ये हो जाता है टेन पाए बाय एन डिनोमिनेटर में शिफ्ट होकर कितना हो जाता है टेन पाए बाय एन अगर यहाँ से हम बातें करें तो इसका रेसिप्रकल ले लें ले, शायद तो बात बन जाए क्योंकि ऑप्शन हमारे कुछ ऐसे ही दिख रहे थे तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या दिखेगा टेन पाई बाय एन अपॉन पाई बाय एन और टेन पाए बाय एन अपॉन पाई बाय एन हमें दिखता है ऑप्शन ए में आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आए अंडरस्टैंड थोड़े से ट्रिकी हैं थोड़े से लेंदी और काफी सारे न्यू में हम बातें कर रहे हैं बट मेरे ख्याल से आप चीजें अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो विद दैट स्टूडेंट्स शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए इसे ध्यान से मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे वो क्या बोल रहे नंबर ऑफ साइट्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन हैविंग द सेम है ना क्या बोल रहे नंबर ऑफ साइट्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन हैविंग द सेम पेरी आर एन एंड टू एन तो सर दो पॉलीगन हैं एक में नंबर ऑफ साइट है, वो, सेम है, है ना? तो उनके के में वो पूछा है जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कमेंट में फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स हमें तो दो रेगुलर पॉलीगन दिए गए हैं है ना? और दोनों रेगुलर पॉलीगन की पेरीमीटर सेम है अच्छा एक बात बताओ पहला पॉलीगन अगर पहला पॉलीगन है जिसकी अगर है, अच्छा, जो है उसमें कितनी है एन तो पहले पॉलीगन की अगर साइड की लेंथ है पहले पॉलीगन के अगर साइड की लेंथ है ए या मान लेते हैं लेट्स से ए वन पहले पॉलीगन के अगर साइड्स की लेंथ है ए वन है ना साइड की लेंथ ऑफ कोर्स तो उसमें नंबर ऑफ उस उस साइड्स कितनी है एन और सर दूसरे पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितनी है टू एन है ना और उसमें ऑफ कोर्स सर जो साइड की लेंथ है वो अगर मैं मान लेता हूँ ए टू तो इस तरीके से रिलेशन निकल कर आएगा ऐसा रिलेशन आपने क्यों लिखा सर ऐसा रिलेशन बड़े सिंपल से रीज़न से लिखा है स्टूडेंट्स क्यों क्योंकि सर इस वाले पॉलीगन की पेरीमीटर क्या होगी सर साइड की लेंथ है ए वन और नंबर ऑफ साइड्स है एन तो ये इसकी पेरीमीटर इसमें साइड्स हैं टू एन और साइड की लेंथ है ए टू तो ये इसकी पेरीमीटर तो आई थिंक बहुत ही सीधा सीधा सा रिलेशन है अगर आप चीज़ें ध्यान से ऑब्जर्व कर पाएँ तो सर वही रिलेशन होगा जो इनकी पेरीमीटर में रिलेशन है यानी कि क्या अगर ये एन से एन कैंसिल हुआ ऐसे आप जनरली कैंसिल नहीं करते बट अगर वे इधर भी इलाके करोगे तो इनकी एक वैल्यू जीरो आएगी जो हो नहीं सकता है तो एन से एन कैंसिल हुआ तो जो इस वाले आपका जो इस वाला यूरो पॉलीगन है पहला वाला उसकी जो साइड है वो दूसरे वाले पॉलीगन की साइड का डबल है क्या बात आपको समझ आ रही है आई होप यहाँ तक चीजें कन्फ्यूजिंग नहीं है ना ये जो एन साइड वाला है इस पॉलीगन की साइड की लेंथ मैंने ए वन मानी है और जो टू टू साइड साइड वाला side वाला side वाला पॉलीगन है उसकी साइड की लेंथ मैंने ए टू मानी है आई होप इन बातों में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से नहीं है तो ऑफकोर्स अगर इसकी जो पेरीमीटर है वो इसकी पेरीमीटर के इक्वल है तो ये तभी हो सकता है जब इसकी साइड जो है उसकी लेंथ इसकी साइड की लेंथ का डबल हो क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स आई होप ये बात अच्छे से समझ आई अब जब साइड में रिलेशन आ गया है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है सर एरिया का रिलेशन जो कि मेरे ख्याल से आप आसानी से बता सकते हो कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट को वर्कआउट करिए और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एरिया वाला फार्मूला जस्ट लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है बस वही फॉर्मूला साइड के कॉन्टेक्स में यूज करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स अब आई होप अब यहां से हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे एरिया वाले फॉर्मूले के साथ आई होप आपको याद है जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था एरिया वाला फार्मूला याद आ रहा है आपको अगर साइड है ए अगर साइड है ए और अगर नंबर ऑफ साइड्स है मतलब साइड की लेंथ है ए और नंबर ऑफ साइड्स अगर एन है क्या आपको फार्मूला याद आ रहा है तो हमने एरिया निकालना सीखा था रेगुलर पॉलीगन का सीधा सीधा सारी चीजें लगाई थी आई लगा होप आपको याद आ रहा होगा पूरा वर्जन प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया था कि साइड की लेंथ अगर एन है नंबर ऑफ साइड की लेंथ साइट एन है तो हमने ओवरऑल फाइनली ये फॉर्मूला निकाला था ए स्क्र एन बाई फोर ए स्क्वायर ये अगर हम यहाँ करें। एन साइड तो सा थी, थी उसके लिए तो फॉर्मूला लग जाने वाला है तो साइड की लेंथ कितनी थी सर ए वन है ना और नंबर ऑफ साइड कितनी थी एन तो ये तो सर इसका एरिया बिल्कुल सही यही होगा

और यहां पर भी अगर यह है पाई बाय एन तो शुड यू नॉट राइट कॉट पाई बाय टू एन क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स बड़ी ही सिंपल सी बात है मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें मेरे ख्याल से तो आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं अब क्या अब कुछ चीज़ें स्टूडेंट जिनके थ्रू हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं सर सबसे पहली बात तो क्या मैं ए और ए का रिलेशन इस्टेब्लिश कर चुका हूँ बिल्कुल ए जो है वो टू के इक्वल है सर ए जो है वो टू के इक्वल है तो ए को क्या मैं टू से रिप्लेस कर सकता हूँ बिल्कुल तो ए को रिप्लेस किया टू टू का स्क्वायर से क्या बात आपको समझ आई अब

पाई बाय टू एन क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स आई होप ये बात तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडर नहीं कर रही है और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है क्या इसमें कोई डाउट है क्लियरली सर ए टू का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर से फोर से फोर एन से एन अमरीली सॉरी यहाँ पे टू बचेगा तो ये टू से टू एक कैंसिल होगा तो ये फोर नहीं बचेगा ये बचेगा आपका टू है ना एक छोटा सा पार्ट आपने वैस किया कि सर डिनोमिनेटर में एक टू बच जा रहा था ये टू स्क्वायर है तो एक ही टू बचेगा दैट विल बी टू कॉट दिस अब क्या अब मैं कहना चाह रहा हूँ चूँकि आपके जो आंसर है सर वो कॉस और साइन में है देखो आप साइन है या कॉस है तो क्या इस कॉट को भी हम कॉस और साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से कर सकते हो तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? सर टू इट इज लिखा रहने देते हैं टू इट इज लिखा रहने देते हैं अब पहले लिखा है कॉट पाई बाय एन क्या कॉट पाई बाय एन को मैं कॉस पाई बाय एन अपॉन साइन पाई बाय एन लिख सकता हूँ आई होप इस बात में आपको ज्यादा परेशान नहीं किया एंड कोर्स सर जो डिनोमिनेटर में लिखा है कॉट पाई बाय इसे हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन और वो रेसिप्रोकेट होकर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या आ जाएगा सर वो होगा साइन पाए बाय टू एन अपॉन कॉस पाए बाय टू एन क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक छोटी सी दरख्वास्त सर अगर इसे मैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला मान लूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ टू साइन Theta by two, तो यहां पर आ जाने वाला है टू पाई बाय इन टू कॉसोर्स पाई बाय क्या आपको यह समझ आया सर साइन टू ठीटा होता है टू साइन कॉसा तो हमारे पास था साइन पाई बाय साइन पाए उसको हमने क्या लिखा टू साइन पाई बाय टू एन इन टू कॉस पाई बाई टू एन बड़ी सिंपल सी बात है मैंने कहना चाहिए आपसे इससे क्या फायदा हुआ सर इससे कुछ तो दिखना चाहिए कुछ क्या दिखेगा स्टूडेंट सबसे पहली बात टू से टू हट जा रहा है क्या आपको ये नजर आ रहा है दूसरी बात साइन पाई बाई टू एन से साइन पाई बाई टू एन कैंसिल हो जा रहा है बहुत बढ़िया आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें बहुत सुलझी हुई हैं अब क्या सर अब सिंपल सी बात स्टूडेंट्स ये लिखा है कॉस्ट पाई बाय एन और ये लिखा है कॉस्ट पाए बाय टू एन इसका क्या करें सर अगर आप ऑप्शंस को देखें तो शायद ऑप्शंस आपकी कुछ तो हेल्प कर रहे हैं सर ऑप्शन में मुझे अधिकतर मतलब इस ऑप्शन ए को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पाए बाय एन ही दिख रहा है और कहीं कहीं कुछ कुछ वन प्लस वाला फॉर्म भी दिख रहा है अगर आप देखें तो क्या इसका कुछ कर सकते हैं मेरी हिंट है आपसे जैसे न्यूमरेटर में लिखा है क्या कॉस्ट पाए बाय एन एक फॉर्मूला आपको रिकॉल करवाने वाला हूँ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान सुने n में, लिखा में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स आप याद करो मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ क्या आपको याद है कि सर कॉस टू ठीठा जो होता है कॉस टू ठीठा जो होता है सर वो होता है टू कॉस स्क्र ठीटा माइनस वन क्या है फॉर्मूला आपको याद है तो क्या मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि अगर माइनस वन को इस तरफ शिफ्ट किया माइनस को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये हो जाने वाला है वन प्लस कितना कॉस टू ठीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ठीटा क्या बात आपको समझ आ रही है ऐसा क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ठीटा जैसा कुछ दिख रहा है है ना तो यहां से मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे अगर मुझे क्या दिखता है

आई होप ये बात आपको समझ आ रही है बस यही काम मैं करने वाला हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसे मैं लिखूंगा न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं स्टूडेंट्स क्या कॉस पाई बाय एन न्यूमरेटर को विल कीप एज कॉस पाई बाई एन डिनोमिनेटर में जो लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा हम इसे लिखेंगे वन बाय टू वन प्लस ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा तो हम इसे लिखेंगे कॉस टू थीटा मतलब इस एंगल का डबल तो इस एंगल का डबल क्या होगा पाई बाय टू इन का डबल कॉस पाई बाय एन तो क्या आपको इतनी बातें समझ आई बस एक छोटी सी प्रॉब्लम सर ये वन बाई टू दिया हुआ है अगर ये वन बाई टू दिया हुआ है तो वन बाई टू को ऊपर शिफ्ट करके कि हम टू बना सकते हैं मेरे ख्याल से बना तो सकते हैं और अगर मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहूँ तो ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है कौन सा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी सर टू कॉस पाए बाय एन अपॉन वन प्लस कॉस्ट पाए बाय एन एक सीधा सीधा आंसर आपके लिए है क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जिसे आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते थे फॉर्मूला यूज़ करके

क्या आपको बात समझ आ रही है किस किस का एरिया पूछ रहा है वो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन अबाउट अ सर्कल पहला तो किया है और दूसरा इनक्राइब किया ये दो बातें उन्होंने की है और इन, का जो, इन, का, इन का, एक और बात आपको दी गई है कि नंबर ऑफ साइड्स वही है सेम है ना इक्वल नंबर ऑफ साइड्स तो दोनों पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो वो क्या बोल रहा है इन एरिया का इन इन एरियाज़ का जो रेशो है है ना सर्कल इज इन एरिया का जो रेशियो है दैट इज फोर इस टू थ्री तो ऐसा कितने साइड वाले पॉलीगन के लिए हो सकता है द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आपको समझ आया आई होप इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट करके ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लेकर आएंगे और दूसरी बात क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ वापस सेम कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ना कर रहा हूँ लेकिन ऑफकोर्स अच्छे क्वेश्चन है कई सारी इंट्रीकेसीज आप सीखेंगे एंड ऑफकोर्स आपके फॉर्मले का रिविजन हो जाएगा जो पॉलिगिन के फॉर्मले हमने पढ़े तो इसे एज अ होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट करके आप जरूर आंसर निकालेगा और मुझे बताइएगा कॉमेंट में लिखकर कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे और फिगर आउट करेंगे हालांकि अभी लेक्चर जारी है और हम कई सारी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं बट रेगुलर पॉलीगन के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर चुके हैं एंड ऑफ कोर्स मेरा यकीन है कि उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इन क्वेश्चन को वर्कआउट करना सीख लिया है इन इन फॉर्मुले पर कैसे चीज़ें वर्कआउट करनी है अप्लाई करनी है सीख लिया है जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं चीज़ें सीधी सीधी दिखाना चाहूँ तो क्या बोल रहा है वो द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन तो एक रेगुलर पॉलीगन है इन साइड्स का है ना सर्कम्स क्राइट अबाउट अ सर्कल एंड द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन of of equal number sides inscribed in the circle. तो वही सर्कल की हेल्प से आप बहुत कुछ फिगर आउट कर लोगे खैर वो सारी बातें भी अगर आप छोड़ो तो उन दोनों एरियाज का रेशो फोर इस टू थ्री क्लास डायरेक्ट सा क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्टी मेरे ख्याल से नहीं होगी अगर आप चीजें डायरेक्ट सी सोच पाए तो और बस उसी बेसिस पे अगर वो फोर इस टू थ्री वाला रेशो आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू बहुत इजीली डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे मेरे यकीन है आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आंसर निकालेंगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है यही जो कहानी अभी तक हमने पढ़ी हमने अलग अलग रेगुलर पॉलिगनस के बारे में बात की हमने टॉलमीज थोरम के बारे में बात की उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और एक होती है एम एन इज एम एन बहुत थियोर सुनिएगा बहुत क्रूशियल है बहुत सटली बहुत इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अप्लाई होती है यूज होती है कैसे उसको डिस्कस करते हैं सुनिए पहली बात तो मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी है ना अब क्या कह रहे हैं सुनिए ध्यान से इफ अ पॉइंट डी इफ अ पॉइंट डी तो सर किसी भी साइड पर लेट्स से देयर इज अ पॉइंट डी और वो डी पॉइंट ट्राइंगल ए बी सी के इंटरनली इस रेशो में किस रेशो में डिवाइड करता है एम इस टू एन में मतलब इस साइड को यह जो डी पॉइंट है ये साइड बी सी को किस रेशो में डिवाइड करता है जो आपकी साइड है बी सी इसको जो पॉइंट डी है ये एम इस टू एन रेशो में अगर कर डिवाइड करता है तो क्या इतनी लाइन आपको समझ आई एंड ऑफ कोर्स दो तीन बातें और अगर आपको पता है जैसे एंगल बी ए डी जो है ये जो एम रेशो वाला जो एंगल है वो अगर अल्फा है और डी ए सी ये जो एन रेशो से जो एंगल सबटेंड हो रहा है उस अपोजिट वर्टेक्स पर अगर वो बीटा है और ऑफकॉर्स ए डी सी वट इज ए डी सी ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है जो, जो डिवाइड कर रही है या तो ये वाला एंगल पता होगा नटी माइनस थीटा या ये जो पता है थीटा अगर ये एंगल पता है थीटा तो उस केस में उस केस में आपका एक बहुत ही जरूरी सा क्रूशल सा रिलेशन निकल कर आता है इस रिलेशन को याद रखिएगा स्टूडेंट्स क्या रिलेशन है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा एम प्लस एन कॉट ठीटा एम प्लस एन कॉीटा मतलब क्या स्टूडेंट्स एम प्लस एन कॉीटा इज इक्वल टू एम कॉटअल्फा इज इक्वल टू एम माइनस एन कॉट बीटा माइनस एन कॉट बीटा ये क्या है इस बारे में भी बात करेंगे आई होप इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि एन कॉट बी और एन कॉट सी क्या है इस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पर पहले इस वाले फॉर्मूले को याद रखेगा इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा और अगर ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर हुआ सीधा सीधा रिलेशन है स्टूडेंट्स और उसी रिलेशन को कंसोलिडेट करने के लिए एम एन थ्योरम को कंसोलिडेट करने के लिए वी हैव ब्रॉड अ क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए स्टूडेंट्स और देखिए कि इस क्वेश्चन में चीज़ें कैसे होंगी सब कुछ डेटा सिस्टमेटिकली अरेंज है एंड अफकोर्स कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है बस वो अप्लाई करिए और आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली वर्कआउट कर लेंगे एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सीधा सीधा सा डेटा है थ्योरम पर बेस्ड क्विकली गिव इट अ ट्राई देखो वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं साथ में पहली बात तो वो ये कह दे रहा है स्टूडेंट्स कि एक आपके पास फिगर है और इस फिगर में ए बी एक ट्राइंगल है इन विच है ना ए बी सी ट्राइंगल है इन विच सबसे खास और सबसे जरूरी बात कि एंगल सी जो है आपका नाइन्टी डिग्री है ठीक है सर तो एंगल सी जो है वो नाइन्टी डिग्री है अगर एंगल सी नाइन्टी डिग्री जिसमें से सिक्सटी है तो कहना है इसे सर ये एंगल ऑफकोर्स कितना होगा सर ये एंगल होगा थर्टी डिग्री अच्छा एक और बात अगर एंगल सी नाइन्टी डिग्री है तो ऑफकोर्स एंगल ए और एंगल बी कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि ओवरऑल पूरे ट्रा का सम कितना होता है 180 डिग्री तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा सर एंगल ए प्लस एंगल बी विल आल्सो बी 90 डिग्री दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे क्या इतना समझ आया अच्छा ए बी इज इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर तो सर ए बी दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर एंड ए डी डी इज़ अ पॉइंट सच दैट ए डी इज थ्री तो कना है इसे अगर ये फाइव ए थ्री है तो दिस इज गोइंग टू बी टू सेंटीमीटर मतलब डी बी इज गोइंग टू बी टू सेंटीमीटर ऑन दैट बेसिस कहना है कि सर ए डी इज टू डी बी विल बी थ्री इज टू टू कुछ क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स आई होप आपको काफी कुछ नजर आ रहा है अब क्या फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए सी तो आपसे किसकी लेंथ पूछ रहा है वो एसी की लेंथ पूछ रहा है सर ठीक है एसी की तुलना तो लें निकाल लेंगे बट करना क्या है कैसे सोचना है क्या करना है इस बारे में बात करते हैं मैं कहना चाह रहा हूँ वापस आप आओ एम एन थोरम पर अब एम एन थियोरम क्या हेल्प करेगी आपकी सर एम एन थोरम आपकी बस ये पता करने में ज़रूर हेल्प कर देगी कि एंगल कितना है शायद उससे कुछ बात बन जाए बिल्कुल उसी से बात बनेगी तो हम यही एंगल थीटा से काम शुरू करते हैं अब एम एन थियोरम क्या कहती है एम प्लस एन कॉट्ठीटा एम प्लस एन कॉट्ठीटा तो एम प्लस एन मतलब क्या स्टूडेंट्स एम प्लस एन यानी थ्री प्लस टू यानी आई होप मैं पहले एम एन थियोरम आपके पास लिख देता हूँ एम प्लस एन कॉठीटा इज़ इक्वल टू बहुत सुनिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आपके होते होते हैं हैं वो क्या स्टूडेंट्स एम अल्फा माइनस एन कॉट बीटा इससे सीधे सीधे इस तरीके से आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स मैं फिर से कहता हूँ क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान सुनिएगा एम अल्फा तो क्या हो जाने वाला स्टूडेंट्स एम कॉटल्फा माइनस एन कॉट बीटा क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स आई होप बड़ी sorted सी बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ इन सब चीज़ों से फायदा क्या होगा इन सब चीज़ों से बहुत जरूरी फायदा ये होगा कि आपको ठीटा ठीटा यानी ये एंगल मिल जाएगा इससे क्या फायदा देखेंगे कुछ तो करेंगे पर पहले इतना समझते हैं सर क्या एम प्लस एन एम प्लस एन यानी क्या थ्री प्लस टू यानी फाइव तो ये लिखा हुआ है फाइव टाइम्स कॉट ठीटा यही हमें पता करना है इज इक्वल टू एम कॉट अल्फा एम कितना है थ्री कॉट अल्फा यानी कॉट सिक्सटी डिग्री तो दिस इज थ्री टाइम्स cot 60 डिग्री क्या ये बात आपको समझ आई माइनस n cot बीटा n cot बीटा ने 2 टाइम्स cot बीटा और बीटा कितना है 30 डिग्री तो दिस इज गोइंग टू बी n cot 30 डिग्री क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आए आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है चीजें बहुत सुलझी हुई सी आपके सामने लिखी हुई है अभी क्या अगर अगर अभी हम सोचें तो सर बहुत जरूरी सी बात एक नजर आती है ये कि 5 टाइम्स cot थीटा को तो एज इट इज रखते हैं तो सर पहले तो फाइव टाइम्स कॉट थीटा को हम एज इट इज रखते हैं लेकिन अगर राइट हैंड साइड पर बात करें तो हाँ सर ये तो कुछ नोन सी वैल्यूज है जैसे कॉट सिक्सटी अगर आपको कॉट सिक्सटी नहीं पता है तो टेन थर्ट पता कर लो टेन थर्टी होता है अंडर रूट थ्री तो कॉट सिक्सटी भी क्या होगा अंडर रूट थ्री तो हो जाएगा थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये हो जाने वाला है थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री क्या इसमें समझ आया यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये एन जो है एन कितना है टू तो मैंने ये एन ही लिख दिया है इसे आप कितना लिखोगे स्टूडेंट्स से आप लिखोगे टू है ना तो लिखा है टू कॉट थर्टी अगर कॉट थर्टी नहीं पता है तो टेन सिक्सटी पता कर लो जो कि कितना होता है अंडर रूट थ्री तो ये जाने वाला है टू रूट अगर अनरूट थ्री से अनरूट थ्री मतलब अगर इस पार्ट को कैंसिल किया तो कहना है इसे थ्री इस को मैं क्या लिख सकता हूँ सकता हूँ क्या बात आपको समझ आई आई होप इतना विजुलाइज कर पाते हो और जैसे ही ऐसा किया तो क्या हो जाने वाला है इससे एक पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा का अनरूट थ्री तो मैं कहूँगा कि सर ये जो लिखा हुआ है क्या फाइव कॉट ठीटा ये जो लिखा हुआ है किसके इक्वल सर इक्वल है ये हो जा रहा है अंडर 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 रूट 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 सो दिस इज रूट हैं और अगर आप सब ट्रैक करें तो कितना बचेगा सही बचेगा माइनस रूट थ्री तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स माइनस रूट थ्री तो एक जरूरी बात कि कॉट थीटा कितना आता है सर कॉट थीटा आता है माइनस रूट थ्री अपॉन फाइव क्या इतनी बातें समझ आई आई होप इसमें कोई डाउट नहीं अब अगर सर कॉट थीटा पता चल गया है तो क्या आगे की कहानी प्रोसीड कर सकते हैं बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है एम कॉट अल्फा यानी थ्री 60, I hope बिल्कुल बस इस वाले पार्ट से अब हमें आगे प्रोसीड करना है यहाँ से कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स एक बार दिमाग लगाई और फिर हम साथ में प्रोसीड करेंगे yourself, अब देखो अब क्या करना है इस पर बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा यह दिया हुआ है ठीक है सर और ठीटा ठीक है अब मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सोच के देखो स्टूडेंट्स हम हम हमने क्या निकाला फॉर्मूला अप्लाई करके ठीठा मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ इसमें आप इस एंगल में क्यों इंटरेस्टेड हो सर सिंपल सी बात है स्टूडेंट सोच के देखो ये सिक्सटी डिग्री दिया है ये थ्री दिया है हमें क्या पता करना है हमें पता करना है ए हमें पता करना है ए तो अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो क्या आप साइन रूल लगा के चीज़ें निकाल लोगे बिल्कुल तो मुझे तो सर ये ठीठा पता है ना तो कैसे निकालेंगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल से मतलब ये दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल तो अगर मुझे थीटा पता है तो क्या मैं पाई माइनस थीटा पता कर सकता हूँ बिल्कुल सोच के देखते हैं स्टूडेंट्स कॉट थीटा पता है ना तो क्या मैं कॉट पाई माइनस थीटा निकालने की तरफ बढ़ूँ अगर हम कॉट पाई माइनस थीटा की तरफ बात करें तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स मैं निकालना चाह रहा हूँ कॉट पाई माइनस थीटा अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कॉट पाई माइनस थीटा कितना होगा सर पाई के कारण कॉट थीटा कॉट थीटा ही रहेगा लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है जहाँ पर कॉट नेगेटिव होता है तो जाने वाला है माइनस कॉट थीटा

सी ए डी यहाँ पर अगर साइन रूल अप्लाई करता हूँ तो साइन रूल क्या हेल्प करेगा बहुत ध्यान से सुनिए साइन रूल आपकी हेल्प करेगा सर साइड कौन सी ए डी अपॉन साइन C कौन सी साइड स्टूडेंट्स सर साइड जो है आपकी ए डी ऑफ कोर्स कितना साइन C विल बी इक्वल टू कौन सी साइड सर साइड ए सी साइड ए सी अपॉन साइन कौन सा सर ये वाला कौन सा साइन स्टूडेंट्स सॉरी really ये वाला अब अगर इससे हमने ठीठा कहा है तो मैं थोड़ी देर के ले, लिए लथ्स इसे कह देता हूँ कुछ भी कह लेते हैं लेट्स लच्स हमसे कह लेते हैं कोई सा भी एक एंगल ले लो क्या कहना सही होगा अल्फ़ा बीटा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो अगर मैं इसे कह लेता हूँ अल्फ़ा तो हम क्या लेना चाह रहे हैं हम साइन अल्फा निकालना चाह रहे हैं क्या आपको बात समझ आ रही है आई होप आपको बात समझ आ रही है और यही पाई माइनस ठीठा है, है ना तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए अगर आपको ये एंगल ही रीड करना है तो आप इसे डी मान सकते हो अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हो तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए डी सी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इसे लिख देता हूँ एंगल ए डी सी क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है आई होप बड़ी सिंपल सी बात है मैं कहना चाह रहा हूं सर एडी पता है ए डी कितना है अगर मैं ए सी यहाँ से लिखना चाहूँ तो ए सी आप क्या लिखोगे पहले वो समझ लेते हैं सर ए सी अगर आप यहाँ से लिखना चाह रहे हो तो आप न्यूमरेटर में लिखोगे ए डी ए डी कितना है सर ए डी है थ्री तो न्यूमरेटर में आप लिखोगे थ्री है ना क्या बात समझ आई इन टू साइन ए डी सी वो हम निकाल देंगे डिवाइडेड बाई साइन सी साइन सी मतलब कितना सर साइन सी मतलब साइन सिक्सटी डिग्री तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आने वाला है सर ये आ जाने वाला है sin 60 डिग्री सर सारी कहानी सॉर्टेड बस साइन ए डी सी बता दीजिए क्योंकि साइन ए डी सी यहाँ मल्टीप्लाई होकर यहाँ हम लिखेंगे तो साइन ए डी सी कितना होगा साइन ए डी सी मतलब यही वाली बात करना है सर कॉट पाए माइनस ठीटा अब ऐसे सोच के देखो स्टूडेंट्स कॉट पाए माइनस ठीटा पे बात करते हैं सुनिएगा बहुत ध्यान से बहुत क्रूशियल सी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ मान लो एक एंगल है मैं जैसे कॉट पाए माइनस ठीटा को क्या मैं थोड़ी देर के लिए कॉट अल्फा लिख सकता हूँ ऑन रूट थ्री बाई फाइव आपको बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हम साइन अल्फा निकालने वाले हैं तो अगर कॉट अल्फा हमें पता है अगर हमें काट अल्फा पता है तो याद करो स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्राएंगल जिसमें मुझे अगर मान लो एक अल्फा पता है अगर एक राइट एंगल ट्रा जिसमें मुझे अल्फ़ा पता है अब अल्फा क्या कॉट का तो कॉट अल्फा कितना बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो अगर मैं बेस मान लूँ अंडर रूट थ्री को तो परपेंडिकुलर कितना होगा स्टूडेंट्स फाइव बात समझ आ रही है ना तो हाइपोटेनियस कितना होगा सर हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव यानी कितना ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी नाइन का अंडर रूट अंडर रूट ट्वेंटी रियली सॉरी मैंने कुछ तो गलत बोला है थ्री 25, ट्वेंटी फाइव दैट्स ट्वेंटी और 28 का अंडरूट ट्वेंटी एट बोला गलत लिखा सही है ना फिर क्या सर अगर कॉट अल्फा पता है तो क्या हम साइन अल्फा पता कर सकते हैं क्यों पता करना है सर साइन अल्फा क्योंकि साइन ए इज नथिंग बट साइन अल्फा और अगर आपको साइन अल्फा पता करना है तो आई थिंक साइन अल्फा बहुत ईजी टास्क है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन दैट्स फाइव अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट सर आप यहाँ पर लिखेंगे फाइव अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी क्या ये बात समझ आई स्टूडेंट्स आई होप बहुत सॉर्टेड सी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ अब सर अगर यहाँ से आप ए निकालना चाहें तो आप ए के बारे में क्या कहेंगे मैं कहूँगा कि सर थ्री को एज इट इज़ रहने दीजिए साइन सिक्सटी को क्या लिख सकते हैं साइन थर्टी होता है वन बाई टू साइंस सिक्सटी होता है अंडर रूट थ्री बाई टू तो कैसे चीज़ें दिख रही है? वो समझता हूँ सर एक तो थ्री दिख रहा है, है ना इन टू. ये कितना दिख रहा है फाइव अपॉन कहना है इसे अंडर रूट ट्वेंटी एट कितना होता है सेवन इंटू फोर तो सेवन को सेवन रखते हैं फोर का अंडर रूट टू है ना तो जाने वाला है टू टाइम्स अंडर रूट सेवन क्या बात आपको समझ आई आई होप कोई डाउट नहीं है इस पूरे पार्ट में साइन सिक्सटी कितना होता है एंड रूट थ्री बाई टू इसका उल्टा किया तो कितना हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री क्या इसमें कोई डाउट है आई थिंक सुलझी हुई सी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं अभी क्या करेंगे सर अभी एक सिंपल सी बात कि सर टू से तो टू कैंसिल आई होप ये बात समझ आई और अगर यहाँ पर देखें तो इसको मैं अंडर रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकता हूँ ऐसा लिखने का क्या फ़ायदा ऐसा लिखने का फायदा आई थिंक अंडर रूट थ्री कैंसिल तो ये बच जा रहा है रूट थ्री अपॉन रूट सेवन टाइम्स फाइव है ना यानी रूट थ्री अपॉन रूट सेवन इंटू फाइव तो इसमें लिख सकता हूँ फाइव रूट थ्री अपॉन रूट सेवन आई थिंक यही सबसे ज़्यादा सिम्प्लीफाइड वर्जन है और भी आप उसे करके कुछ ना कुछ लिख सकते हो बट दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल लेंथ ऑफ द साइड ए सी मोटिव बस इतना सा था स्टूडेंट्स की साइन रूल अप्लाई करके और आपका एम एन रूल एम एन थियोरम अप्लाई करके आप इस तरीके से ट्राइंगल्स की साइड्स को भी वर्कआउट कर सकते हो बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं बट एम एन थ्योरम जरूर याद रखना स्टूडेंट्स क्या ये वाला पार्ट कि एम प्लस एन काट थीटा जो होता है वो एम काटअल्फा माइनस एन काट बीटा के इक्वल होता है अगर मुझे रेशो पता हो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लेंथ ना भी पता हो तो भी सिर्फ रेशो ही पता हो तो भी आप इस तरीके से चीज़ें निकाल सकते हैं क्या आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे मेरे ख्याल से बहुत डिफ़िकल्टसी बातें नहीं है और इसी का एक और वर्जन है एन काट बी माइनस एम काट सी आप उसे क्या लिख सकते हो एन काट बी माइनस एम काट सी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एन बी माइनस एम काट सी आप ऐसे भी करेंगे तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा क्या इसमें कोई डाउट है अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और नई चीज़ें समझते हैं एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और इस क्वेश्चन के जरिए देखते हैं कि चीज़ें कैसे निकाली या समझी जाती हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर देखो क्या लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्व टू सिक्स ठीक है और वो कह रहा है ए टेन मतलब टेन ए टेन बी इज इक्वस टू टू दे वैल्यूज ऑफ टेन ए टेन बी एंड टेन सी आर अब सारी बातें छोड़ो स्टूडेंट्स मेरी बस एक काम में हेल्प करो आप सर चूंकि बोला जा रहा है एक ट्राइंगल तो ट्राएंगल जैसे ही कोई कहता है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्व टू पाए आई होप आप ऐसा कह सकते हो और जैसे ही आप ऐसा कहने लायक होते हो तो आप एक और बात कह सकते हो सर क्या कि अगर ए प्लस बी जब लिखा हुआ है तो उस तरफ क्या लिख सकते हो आप उस तरफ लिख सकते हो पाई माइनस सी अगर ये बात से भी कहीं ज़्यादा परेशानी नहीं है इससे एक और रिजल्ट निकल कर आता है क्या इससे एक और रिजल्ट ये निकल कर आता है कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ दोनों तरफ टेन हो तो जाता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट टेन पाई माइनस सी क्या ये बात आपको समझ आ रही है अब अगर चीज़ें हम समझना चाहें अब अगर हम चीज़ें समझना चाहें तो क्या कि सर टेन ए प्लस बी कितना होता है याद करो स्टूडेंट सर टेन ए प्लस बी जो मैं जानता हूं टेन ए प्लस बी की बात करें तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में ऑफ कोर्स वन माइनस टेन ए टेन बी क्या ये पॉइंट आपको समझ आया इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर टेन पाई माइनस सी पाई के कारण टेन तो टेन लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि पाई माइनस सी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव तो ये जाने वाला है माइनस टेन सी अब एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप बता सकते हो क्या स्टूडेंट्स कि टेन ए टेन बी कितना होता है सर टेन ए टेन बी कोइंसिडेंटली वहाँ दिया हुआ है सर टेन ए टेन बी की वैल्यू कितनी है टू अगर टेन ए टेन बी की वैल्यू दी गई है टू अगर टेन ए टेन बी की वैल्यू दी गई है टू तो टू यहाँ रखते हैं तो क्या दिखेगा बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है सर न्यूमरेटर में तो है टेन ए प्लस टेन बी है ना लेकिन डिनोमिनेटर में वन माइनस टू माइनस वन और माइनस वन वहाँ मल्टीप्लाई किया तो टेन ए प्लस टेन बी इज टू तो टेन सी क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हुई बड़ी ही सिंपल सी बात वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन वहाँ मल्टीप्लाई किया तो टेन सी सर टेन ए प्लस टेन बी अगर टेन सी के इक्वल है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज सिक्स क्या बोल रहा है वो स्टूडेंट्स वो कह रहा है आपसे कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू सिक्स जब आपसे कोई कह रहा है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी सिक्स तो टेन ए प्लस टेन बी को क्या मैं टेनसी से रिप्लेस कर सकता हूँ तो टेन ए प्लस टेन बी को अगर टेंसी से रिप्लेस किया तो आई थिंक आप काफ़ी कुछ कह पा रहे हो कि टेन ए प्लस टेन बी को टेंसी सी से रिप्लेस किया तो ये तो टेंसी ही हो जा रहा है और ये एक ऑलरेडी टेंसी है इज इक्वल टू सिक्स तो ये कितना हो रहा है टू टें सिक्स तो कहना है सर एक रिजल्ट तो मिला कि टेंसी कितना आ रहा है सर टेन सी आ रहा है थ्री क्या बात आपको समझ आई आई होप कोई डाउट नहीं है सर आ जाता है थ्री अभी क्या टेन सी तो हमें पता चल गया थ्री और टेन सी को इंसिडेंटली ए के ऑप्शन में है थ्री बट चूंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है सो टेन ए और टेन भी निकाल लेते हैं सर जैसे ही टेन सी पता चला तो एक और बात आप समझो स्टूडेंट्स टेन सी पता चलते ही आप एक्चुअली टेन ए प्लस टेन बी भी तो बता पा रहे हो क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो क्योंकि सर टेन ए प्लस टेन बी टेन सी के इक्वल था और टेन सी अगर थ्री है टेन सी अगर थ्री है तो कहना है सर टेन ए प्लस टेन भी भी तो क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी भी क्या होगा स्टूडेंट्स थ्री क्या ये बात आपको समझ आई बड़ी सुलझी हुई सी साधारण सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर टेन ए प्लस टेन बी भी कितना होगा थ्री अब एक छोटी सी बात यहाँ से समझो स्टूडेंट्स so, कि सर टेन ए प्लस टेन बी अगर थ्री है तो एक और बात तो आपको पता है कौन सी सर अगर टेन ए प्लस टेन बी भी थ्री है तो टेन ए डॉट टेन बी कितना है टू तो सर एक और बात पता है कि टेन ए यहाँ से सर एक और बात ये पता है कि टेन ए डॉट टेन बी जो है वो कितना है टू अब अगर इन सब बातों पर बात करें इन सब बातों पर बात करें तो क्या कर सकते हैं सर मेरे ख्याल से या तो आप यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दीजिए वो मेरे ख्याल से ज्यादा सही होगा उसके अलावा कोई और तरीका मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो वही डायरेक्ट सा एक तरीका दिख रहा है और उसी से शायद बात करें तो ज़्यादा जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा आप चाहें तो यहाँ भी वैल्यूज रख सकते हैं बट घुमा फिरा के वो बात वही बनने वाली तो इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करके अब हम आंसर की तरफ प्रोसीड करेंगे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स क्या हम ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं मेरे ख्याल से ऑप्शन ट्राई करना ज़्यादा अच्छा है मुझे टेन ए और टेन बी की दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए सर उनका प्रोडक्ट टू हो और उनका सम थ्री हो मेरे ख्याल से सर ऑप्शन

दिख ही रहा है क्या नेचर दिख रहा है दो वैल्यूज जिनका सम थ्री दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट टू तो बस वही तो बात है वो तो ऑप्शन में ही दिख जा रहा है ना तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो एक बहुत ईजी सिंपल और शॉर्टेड सा एक क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रखना चाह रहा हूँ कि देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा अच्छा क्वेश्चन है बहुत ध्यान से सुनना काफी कुछ आप सीखोगे इफ पी इज अ पॉइंट ऑन द एल्टीट्यूड ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी सर बहुत सारी बातें कह दी आपने एक साथ एक एक करके ब्रेक करने सर पहले तो एक ट्राइंगल है ए बी सी ठीक है सर इस ए बी सी ट्राइंगल में है ना दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी ठीक है सर इस ट्राइंगल ए बी सी में देर इज अ पॉइंट पी ऑन दी एल्टीट्यूड ए डी तो सर ए डी एक एल्टीट्यूड है ठीक है सर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं एक जैसे ही एल्टीट्यूड ड्रॉ किया मतलब ए डी एल्टीट्यूड मतलब ए से बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और ये जो है ये आपका ए डी एल्टीट्यूड है और इस ए डी एल्टीट्यूड पर देर इज अ पॉइंट पी है ना पॉइंट पी किस तरीके से सुनिएगा ध्यान से सच दैट एंगल सी बी पी है ना कौन सा एंगल स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ दर इज अ पॉइंट पी फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट माई स्टेटमेंट दर इज अ पॉइंट पी यहाँ कहीं है ना तो वो कह रहा है सी बी पी सी बी पी मतलब अगर मैं पी को बी से मिलाऊँ तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स है ना उसे आप डी बी पी भी कह सकते हो ये जो एंगल है दिस इज कितना बी बाई थ्री दिस एंगल इज बी बाई थ्री ठीक है सर ये जो एंगल है यह है बी बाई थ्री आई होप आप ये बात रियलाइज कर पा रहे हो कि जो पूरा ओवरऑल एंगल है यह है बी क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं ये जो पूरा ओवरऑल एंगल है बी और ये एंगल बचा हुआ बी बाई थ्री है तो जो एंगल बच जाएगा जो एंगल यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा सर बी माइनस बी बाई थ्री कैन आई राइट दैट एज टू बी बाई थ्री आई होप ये पॉइंट आपको समझ आए बस एक छोटा सा कंक्लूजन फिर से कह देता हूँ पूरा एंगल बी था उसमें से वाला एंगल बी बाई थ्री तो बचा कितना होगा बी माइनस बी बाई थ्री दैट इज थ्री बी माइनस बी बाई थ्री यानी टू बी बाई थ्री अभी क्या अभी और बात और बात क्या सर ए पी किस के होगा ए पी मतलब वो आपसे कौन सी लेंथ पूछना चाह रहा है ए पी मतलब वो आपसे ये वाली लेंथ पूछना चाह रहा है आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है एक और बात स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंगल कितना है सर ये एंगल नाइन्टी डिग्री है अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या आप इस एंगल पे कुछ टिप्पणी कर सकते हो आई होप बहुत ज़्यादा टफ़ बात नहीं है कि सर ये अगर पूरा एंगल बी है अगर ये पूरा एंगल बी है तो ये एंगल कितना होगा सर ये एंगल होगा नाइन्टी माइनस बी क्या बात आपको समझ आ रही है बहुत सुलझी हुई सी बात है मैं आपसे कह रहा हूँ अब इस बेसिस पे अगर हम चीज़ें सोचना चाहें तो हमसे क्या पूछा जा रहा है हमसे ए पी पूछा जा रहा है और ए पी किसके टर्म्स में पूछा जा रहा है सर या तो एंगल सी के टर्म्स में बता दो या एंगल बी के टर्म्स में बता दो मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ हिंट है क्या आप ट्राइंगल ए पी बी में कुछ सोच सकते हो मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज हिंट दिए एंगल और साइड एंगल और साइड और कौन सा ट्राइंगल ए पी बी जल्दी से ट्राई करिए और मुझे लिखकर बताइए कमेंट्स में कि आपने क्या अप्लाई किया इस हिंट को सोचकर और क्या आंसर निकाला फिर हम साथ में आगे प्रोसीड करेंगे आई होप आपने इसे वर्कआउट करने की कोशिश की कि कैसे सोचना है मेरी हिंट बड़ी साधारण सी थी कि अगर आप साइन रूल सोचते हो कहाँ पर स्टूडेंट्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप साइन रूल के बारे में सोचते हो कौन से ट्राइंगल में ट्राइंगल ए पी बी अगर ट्राइंगल ए पी बी में आप क्या लगाते हो साइन रूल तो हमें क्या निकालना था सर आप निकलवाना चाह रहे हो ए पी तो ठीक है सर साइड ए पी तो हम क्या ले लेते हैं साइड ए पी साइड ए पी अपॉन साइड ए पी के अपोजिट एंगल कौन सा टू बी बाई थ्री तो इसका साइन रेशो तो कितना आ जाएगा साइन टू बी बाई थ्री ठीक है सर इज़ इक्वल टू अभी कुछ नोन है क्या कुछ पता है क्या मेरे ख्याल से कुछ पता तो नहीं है बट सर साइड ए बी सी के टर्म से में बात हो रही है फिर से मैं कहता हूँ साइड ए बी सी के टर्म्स में बात हो रही है और ए पी बी में जो साइड हमें जो पता है वो साइड कौन सी है एंगल सी के अपोजिट और एंगल सी के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज साइड सी क्या बात आपको समझ आई तो सर अगर मैं कहूँ दिस ए पी अपॉन साइन टू बी बाई थ्री सो दैट विल बी सी दैट विल बी सी अपॉन कौन सा एंगल सी अपॉन ये वाला एंगल कौन सा एंगल स्टूडेंट्स ये वाला एंगल यह बात आपको समझ आ रही है आई होप बड़ी सुलझी उसी बात मैं कहना चाह रहा हूँ बट सर ये एंगल कैसे निकालेंगे बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो सोच के देखो स्टूडेंट्स सर सारे एंगल्स का सम बाय नाइन्टी डिग्री है ना सर सारे एंगल्स का सम सारे एंगल्स का सम कितना होता है वन डिग्री आई रिपीट माई स्टेटमेंट सारे एंगल्स का सम कितना होता है वन डिग्री सर ये नाइन्टी माइनस बी है टू बी माइन टू बी बाई है तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं ऐसे सोचो स्टूडेंट्स फिर से मैं कहता हूँ अगर ये एंगल पी चाहिए है ना मैं भी उसे पी ही कह देता हूँ तो पी प्लस नाइन्टी माइनस अमरीली सॉरी नाइन्टी माइनस बी प्लस ऑफ कॉर्स कितना प्लस ऑफ कॉर्स टू बी बाय थ्री है ना ये जो तीनों एंगल्स का सम है ये कितना होगा सर ये होगा वन एट्टी डिग्री क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स हैं बस इसी बेसिस पे अगर मैं सोचना चाहूँ तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स टू बी बाय थ्री में बी ऐड किया जैसे ही टू बी बाई थ्री में बी ऐड किया तो ये हो जाता है थ्री बी है ना माइनस थ्री बी तो कितना हो जाएगा टू बी माइनस थ्री बी दैट्स माइनस बी बाई थ्री है ना तो कितना हो जाएगा एंगल पी है ना प्लस क्या मैं नाइन्टी को वन एटी में से अप्रैक्ट कर सकता हूँ तो वो कितना हो जाने वाला है सर्व हो जाने वाला है नाइन्टी है ना तो एंगल पी इज इक्वल्स टू वन एट्टी में से अगर नाइन्टी से सप्ट्रैक्ट किया तो नाइन्टी अब सुनिएगा बहुत यहाँ से बहुत काम की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आई थिंक ये आप ऐसे भी कह सकते थे बट ठीक है अब ऐसे निकाल लिया तो निकाल लेते हैं फिर से सुनिए थ्री बी और टू बी सो माइनस थ्री बी प्लस टू बी यानी कितना माइनस बी बाई थ्री और माइनस बी बाई थ्री उधर गया तो आई थिंक प्लस बी बाई थ्री हो जाएगा क्या ये बात आपको समझ आई स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल आएगी प्लस टू बीट्स बी बाई थ्री उस तरफ जाता है तो होकर तो ये आ जाता है आपका एंगल पी तो एंगल पी कितना आता है प्लस बी बाई थ्री रिपीट माई स्टेटमेंट एंगल पी कितना आता है आपका सर वो आता है साइन ऑफ नाइन्टी प्लस बी बाई थ्री जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि ये बी बाई थ्री आप ऐसे भी निकाल सकते थे सुनिएगा ध्यान से अगर आप सी बी ये जो बी सी साइड है आपकी अगर इसके पैरल एक लाइन ड्रा करते हैं बस कन्फ्यूज़ मत हो जाना स्टूडेंट्स अगर आप सी बी के पैरल एक लाइन ड्रा करते हैं तो कह रहे हैं ये जो एंगल है बी बाई थ्री ये एंगल बी बी बाई थ्री और ये पैरल है तो पटपन निकले होते हैं नाइन्टी तो ये भी तो कैसे निकल जाता है नाइन्टी प्लस बी बाई थ्री आप ऐसे भी ऑफकोर्स निकाल सकते थे मेरे ख्याल से आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड सी हैं दोनों तरीके जायज़ हैं अब क्या अब अगर यहाँ पर सोचना चाहें तो कुछ काम किया जा सकता है क्या सर कोशिश जरूर कर सकते हैं देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स अगर मैं सीधी सीधी बातें आपसे करूँ तो पहले तो क्या चाहिए सर आपको चाहिए ए पी आपको चाहिए ए पी तो ए पी क्या होगा ए पी को एज इट इज रखते हैं ए पी इज इक्वस टू सी टाइम्स ए पी इज टू सी टाइम्स टाइम्स है ना सी कितना न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में कितना आ जाने वाला है सी टाइम्स साइन ऑफ टू बी बाई थ्री आपका न्यूमरेटर में जा रहा है डिनोमिनेटर में क्या आएगा इस पर बात कर लेते हैं सर डिनोमिनेटर में आएगा साइन नाइनटी प्लस बी बाई थ्री साइन नाइन्टी प्लस बी बाई थ्री का क्या करेंगे आई होप साइन नाइन्टी नाइन्टी के कारण साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और नाइन्टी प्लस इन सेकेंड क्वार्डेंट साइन साइन ही पॉजिटिव रहेगा तो कॉस बी बाई थ्री आप इसको लिख सकते हो आप इसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो कॉस बी बाई थ्री आंसर आपके सामने है अगर आप सोच पा रहे हो तो और मैं चाहता हूँ आप मुझे इसकी अगली स्टेप का आंसर बताएं सीधा सीधा आंसर स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी दी करेक्ट आंसर आई होप आप सभी को दिखा होगा कि ये साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला है साइन टू बी बाई थ्री को आप क्या लिख सकते हो सर अगर मैं ए पी ही फिगर आउट करना चाह रहा हूँ तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सी साइन टू बी बाई थ्री अगर टू बी बाई थ्री बी बाई थ्री को थीटा माना तो ये हो जा रहा है टू ठीठाइन ठीठा साइन बी बाई थ्री कॉस बी बाई थ्री क्या ये बात आपको समझ आई डिवाइडेड बाई वॉट डिवाइडेड बाई कॉस बी बाई थ्री डिवाइडेड बाई कॉस बी बाय थ्री एंड आई थिंक बस अगर इतना ही पता है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स अब तो चीजें दिख रही होंगी स्टूडेंट्स सर कॉस बी बाई थ्री से कॉस बी बाई थ्री कैंसिल तो बच्चा जा रहा है टू सी टू सी साइन बी बाय थ्री तो ए पी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इज क्लियरली योर ऑप्शन सी आई होप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन जिसमें कई सारी बारीकियां हमने यूज की बट ऑफ कोर्स इजीली हम आंसर फिगर आउट कर पाए विद दैट स्टूडेंट्स आई थिंक अगर ये क्वेश्चन क्लियर होता है और आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ मैं इस क्वेश्चन में बस एक हिंट देना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये ट्राई करें हिंट है स्टूडेंट्स क्या आपको टेन ए माइनस बी बाई टू का फॉर्मूला याद है दो तीन बातें तीन हिंट दे रहा हूँ हिंट सुनिएगा बहुत ध्यान से जिनके बेसिस पे आप ये

टेंजेंट रूल या नेपियर एनोलॉजी पढ़ी थी बस वो आपकी सेकेंड हिंट होगी तो ये आपकी आज की पहली हिंट इस क्वेश्चन के लिए आपकी सेकेंड हिंट मेरे ख्याल से बस इतना कर देने भर से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे तो दोनों हिंट्स अप्लाई करिएगा ये क्वेश्चन भी एज अ होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट करिए क्योंकि ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन से डील कर चुके हैं बस कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से लगेंगे और कैसे लगाना है ये अब आपको सोचना है मेरे ख्याल से आप ज़रूर आंसर निकाल लाएंगे और मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं आई होप आप बहुत इजीली सोच पाएंगे बहुत अच्छे से ऑप्शंस भी देख के आप क्लिक कर पा रहे हो कि चीज़ें कैसे हो रही होंगी बहुत सोल्टेड सा क्वेश्चन है मेरा यकीन है आप आंसर ले आएंगे और जरूर लिख कर बताइएगा कॉमेंट्स में कि आप क्या आंसर लेकर आए अगर ये क्वेश्चन समझ आता है तो एक और क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है इन अ ट्रैंगल ए बी सी इफ दिस प्लस दिस इज इक्वस टू थ्री देन वट इज़ दी एंगल ए एंगल ए की वैल्यू क्या हो सकती है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दो हिंट पहली हिंट तो ऑफकोर्स ए प्लस बी प्लस सी जो दिया है वो सेमी पेरिमीटर जैसा कुछ हो सकता है वो नहीं भी पता हो तो दूसरी जरूरी बात क्या मतलब सेमीपेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू दूसरी जरूरी बात ये कोसाइन रूल याद करिए अगर वो याद करते हो तो एक क्वेश्चन हो जाएगा हिंट आपको दे दी है ट्राई करिए फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर लिखा आंसर फिगर आउट करने के बाद कि आंसर क्या आ रहा है ज़रा सीधे सीधे तरीके से सोचें तो ये क्या लिखा हुआ है सर लिखा लिखा है वन प्लस ए बाई बी प्लस सी बाई बी कैन तीनों में कॉमन बी आ सकता है बिल्कुल आ सकता है तो इसे मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी आई होप ये बात आपको समझ आ रही है कोई कन्फ्यूजन नहीं सिमिलरली यहाँ पे सी दिख रहा है तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं वैसे लिख सकता हूँ सी प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ऑफकोर्स कितना सी इज़ इक्वल टू थ्री क्या इस बात में कोई परेशानी है स्टूडेंट्स आई होप बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही ये बात आगे अगर हम बढ़ें आगे अगर हम प्रोसीड करें तो बी और सी को वहाँ शिफ्ट किया तो बी सी वहाँ शिफ्ट हो जा रहा है तो ये बच रहा है बी प्लस ए है ना प्लस सी ऑफ़ कोर्स, और ये क्या बच रहा है स्टूडेंट्स क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ सुनिएगा बहुत ध्यान से बी प्लस ए प्लस सी को मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख रहा हूँ सुनेगा ध्यान से स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट को मैं इसके कारण थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ पहले मैं बी प्लस सी लिखता हूँ यहाँ से मैं पहले लिखता हूँ बी प्लस सी और फिर मैं लिख लेता हूँ प्लस ए ये आपका पहला वाला पार्ट है ये मैंने बी प्लस सी प्लस ए लिखा है कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स सर यहाँ पर भी आपके पास पहले लिखा हुआ है बी प्लस सी और फिर क्या लिखा हुआ है माइनस ए क्या ये बात आपको समझ आ रही है बहुत प्रॉब्लमैटिक बातें नहीं है और ये जो बी सी वहां शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो जा रहा है क्या फायदा हो रहा है क्या चीजें निकल कर आ रही है क्या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी आप क्या लिखेंगे इसे आप इसे लिखेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेफ्ट आप लिखेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कोर्स कितना ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या बात आपको समझ आई राइट हैंड साइड पर ऑफकोर्स हम किससे डील कर रहे हैं थ्री बी सी तो राइट हैंड साइड पर आपका चल रहा है सर थ्री बी सी आई होप यहाँ तक तो चीज़ें सुलझी हुई हैं अभी क्या सर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी है ना माइनस ए स्क्वायर इज टू थ्री बी सी सर ये जो टू बी सी है ये जो टू बी सी आपका लिखा हुआ है क्या इसे उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं कर सकते हैं तो टू बी सी को वहाँ शिफ्ट किया तो थ्री बी सी माइनस टू बी सी दैट्स बी सी तो ये कितना दिख रहा है बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वस टू बी सी बहुत ज़रूरी बात मैं कहने वाला हूँ आपसे सुनिएगा ध्यान से यहाँ से आप कंक्लूड करोगे कि सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अपॉन बी सी इज़ ईक्ल टू वन अब एक छोटी सी बात याद करो खैर अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हो क्या मैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर में टू से डिवाइड कर सकता हूँ बिल्कुल तो यहाँ से टू से डिवाइड किया तो टू बी सी और यहाँ टू से डिवाइड किया तो वन बाई टू इसका क्या मतलब है इसका एक सिंपल सा मतलब स्टूडेंट्स याद करो अगर मैं आपको याद दिलाऊँ एक फॉमूला तो आप क्या मुझे कॉस ए बता सकते हो कॉस ए क्या होता है हमें एंगल ए ही चाहिए तो आप अगर कोसाइन रूल याद करते हो स्टूडेंट्स कि आपको याद है सारे रूल्स अगर मैं कोसाइन रूल अप्लाई करना सिखाऊँ आपको तो हमने सर सीखा है कि कॉस ए जो होता है वो कितना होता है इसको बनाने वाली जो साइड्स होती हैं वो कौन होती है बी और सी के स्क्वायर के सम इसके अपोजिट जो साइड होती है वो अपॉन टू बी सी ये होता है कॉस ए और सर कोइंसिडेंटली इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली कितनी आ रही है इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली वन बाई टू अगर इसकी वैल्यू आती है वन बाई टू तो कहना है से अगर ये वन बाई टू के इक्वल है यानी कॉस ए भी वन बाई टू के इक्वल है अगर कॉस ए वन बाई टू के इक्वल है अब बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर कॉस ए वन बाई टू के इक्वल है तो कौन सा ऐसा एंगल हो सकता है जिसका कॉस वन बाई टू के इक्वल होता है तो क्लियरली सर बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कॉस का कितना डिग्री सर वन बाई टू होता है बस आप इतना मुझे बता दीजिए आपका आंसर आ जाएगा कॉस सिक्सटी आई थिंक वन बाई टू होता है क्योंकि साइन थर्टी वन बाई टू होता है कॉस सिक्सटी यानी क्या स्टूडेंट्स पाई बाई थ्री है ना जनरल रूल तरफ जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ट्रा के तीनों एंगल्स हैं तो सीधे सीधे जो भी आपको चीज़ें दिखें आप वैसे मार्क करेंगे यानी आप क्या कहेंगे सर कॉस्ट पाई बाय थ्री इज़ वन बाई टू यानी जो आपका एंगल ए है दैट इज़ क्लियरली कितना सिक्सटी डिग्री अयोब बहुत ही आसान सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्वेश्चन था ट्रिकी पार्ट था कि इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर पाए और जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हुआ तो यहाँ पर ये यह आप टू से डिवाइड कर पाएँ और जब ये दिखा तो आपको ये समझ आए कि ये कोसाइन रूल अप्लाई हो रहा है ये बड़ी बेसिक सी सुलझी हुई सी साधारण सी बातें बट जनरली यह हमें नहीं पता होती और हम वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आंसर नहीं निकाल पाते मैं बार बार एक ही बात पर एफिसाइज करता हूँ कि जितनी ज़्यादा बारीकियाँ आपको पता होंगी जितनी ज़्यादा डिटेल्स में आपको चीज़ें पता होंगी उतनी आसानी से आप आंसर्स एवेल्युएट कर पाएंगे विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आई वुड से इस एक ही क्वेश्चन में इतने सारी चीज़ें आप सीखोगे इतनी सारी चीज़ें सीखोगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते पहली बात तो आपको ये डेटा को वर्कआउट करना है कि इस डेटा का मतलब क्या है दूसरी बात हर एक ऑप्शन में एक एक नई वैल्यू पूछी और यही तो मैं कह रहा हूँ कि आई टी जी एडवांस का एक ही क्वेश्चन अपने आप में चार से पाँच कंसेप्ट समाहित किए हुए होता है तो पहले तो क्वेश्चन ब्रेक करिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया है उसे इंटरप्रेट करिए कि क्या क्या बातें दी गई हैं उससे जो मीनिंगफुल बातें निकल कर आप आ रही है उसे यूज़ करके इन ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए और आपका आंसर आपके सामने होगा हम शुरुआत करते हैं इस वाले पार्ट से बट पहले जैसा प्रोटोकॉल है मैं ट्राई करूँ आप ट्राई करिए पाँच से दस मिनट के लिए कम से कम स्क्रीन पॉज करिएगा राधा वुड से पंद्रह मिनट के लिए तो कम से कम क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करने में सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे हर चीज़ आपकी निकल जाएगी और आप यकीन करिए आई टी एडवांस इतनी अच्छी एग्जाम है कि बस एक ही क्वेश्चन से उन्होंने पूरा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑलमोस्ट आपका रिवाइज़ करवा देगा रिवाइज़ करवाने का मतलब है पूरा चेक कर लेगा आपकी हर इंट्री कैसी हर इनसाइट हर बारी की उन इवेंस एक्सप्लोर करवा देंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन और यही बात मैं इंफेसाइज करता हूँ कि एडवांस के क्वेश्चंस हमेशा आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगे हर चैप्टर के हर कंसेप्ट पर ट्राई करिए स्टूडेंट्स और फिर हम इसे साथ में इसे दो तीन बार ट्राई ज़रूर करना ना भी हो तो भी चलेगा पर फिर आप देखोगे कि कितना अच्छा आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक्स पता है तो अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो हर चीज़ आसान है बस बात वहीं बॉइल डाउन होती है कि क्या आपको सारी चीज़ें पता है बिल्कुल पता है ट्राई करिए जरूर होगा कई सारे स्टूडेंट्स से मेरा ऐसा यकीन है अगर ये क्वेश्चन आपने फिगर आउट किया तो आपने आंसर भी लिखा होगा कमेंट में और मुझे अप्रोचेस भी लिखी होंगी कि आपने क्या 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 थॉट्स अप्लाई किए एक एक करके सारी चीज़ें ट्राई करते हैं शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन समझने से लेकर क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल यही कहता है कि हम सबसे पहले तो सर क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक करेंगे तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल जेड तो पहली बात तो ट्राइंगल जेड है एक्स वाई जेड साइड्स हैं किसके एंगल्स एक्स वाई जेड के अपोजिट बहुत डिटेल में उन्होंने बातें कहीं और ये हमें कह दिया गया उसने जो S है आपकी सेमी पेरीमीटर है क्योंकि तीनों साइड्स के सम को टू से डिवाइड करें तो ऐसा आता है एक बहुत ज़रूरी बात वो कह रहा है कि सर एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इज ईक्स टू एस माइनस जेड अपॉन टू इसका क्या मतलब है इस बारे में हम बात करेंगे इस बारे में हम बात करेंगे देन एंड द एरिया ऑफ इन सर्कल द एरिया ऑफ इन सर्कल अब देखो उन्होंने इन सर्कल का भी एरिया पिक्चर में लिया है उन्होंने इन सर्कल का भी एरिया पिक्चर में लिया है किसका एरिया ऑफ इन सर्कल वही ट्राइंगल एक्स वाई जेड वो कितना है एट पाई बाई थ्री बहुत सारी बातें कही है उन्होंने आपसे और फिर कई सारी चीजें पूछी हैं इन सारी चीजें जो पूछी गई उन पर तो हम बात करेंगे पर जो हिंट दिए उससे शुरुआत करते हैं पहले इस हिंट पर काम करते हैं क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट सर ये लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट सर यह लिखा है एक्स माइनस एक्स बाई फोर है ना लिखा है एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू एस माइनस वाई बाय थ्री एस माइनस जेड बाई टू एस माइनस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू एस माइनस जेड बाई टू आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो दैट इज जेड दिस इज टू है ना आप दोनों को एक मत मान लेना अब क्या अब सर जब भी ऐसा कुछ दिया जाता है मेरा थॉट मेरा आइडिया तो यह कहता है कि सर इन सारी वैल्यूज को एक किसी भी रैंडम वेरिएबल जैसे लेमडा के किसी के भी इक्वल मान लो अगर इन सबको लेमडा के इक्वल माना तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कह सकता हूँ क्या सर एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अगर यहाँ से फिगर आउट किया तो यहाँ से एस कितना आ रहा है सर एस आ रहा है फोर लेमडा प्लस एक्स क्या आपको बात समझ आई मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ से एस कितना आ रहा है सर एस आ रहा है फोर लेमडा प्लस एक्स या फिर अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या मैं एक्स के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ एक्स कितना होगा सर एक्स अगर यहीं रखें फोर लेमडा को उस तरफ शिफ्ट करें तो हो जाता है एस माइनस फोर लेमडा क्या ये बात आपको समझ आई आई होप बड़ी सुलझी सी बात मैंने कहनी चाहिए सर यहीं से अगर यहाँ से एस निकालें तो ये एस कितना होगा सर ये एस होगा थ्री लेमडा प्लस वाई क्या यह बात आपको समझ आई आई होप कोई डाउट नहीं है अगर ये लिखा हुआ है थ्री लेमडा प्लस वाई तो क्या यहाँ से मैं वाई की वैल्यू कह सकता हूँ सर वाई कितना होगा सर वाई होगा एस माइनस थ्री लेमडा आई होप ये बात भी आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो आगे क्या आगे वही बात अगर यहाँ से एस निकालना चाह तो यहाँ से एस कितना होगा फिर तो वहाँ से एस होगा टू लेमडा प्लस जेड यानी सर अगर मैं आपसे जेड की वैल्यू पूछूँ तो जेड कितना होगा एस माइनस टू लैमडा क्या है? तीनों बातें आपको समझ आई मेरा यकीन करिए आई टी एडवांस के क्वेश्चन टफ नहीं होते बस कॉम्प्रहेंसिव होते हैं मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंटेन किए होते हैं तो पहली बात तो ये बात निकल कर आई ठीक है सर सर वो खुद आपको एक और हिंट दे रहा है बस सोच नहीं पा रहे हो टू जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है मतलब जो इसकी सेमी पैरिमीटर है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू है तो उसने क्या कहा कि सर टू जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है मतलब एक्स कितना है सर एक्स जस्ट अभी निकाला एक्स है एस माइनस फोर वाई तो एक्स कितना है सर एक्स है एस माइनस फोर सॉरी वाई नहीं लेमडा प्लस वाई कितना है सर सर वाई है एस माइनस थ्री लेमडा है ना वाई है एस माइनस थ्री लेमडा और जेड कितना है एस माइनस टू लेमडा आई बिलीव अमरीली सॉरी एस माइनस टू लैमडा ऑफकोर्स तो ये हो जा रहा है एस माइनस टू लेमडा तो मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स मैंने हमारी वहीक्वेशन को यूटिलाइज तो तो किया कौन सी देट टू एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इन तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ रखा उससे क्या देखते हैं उससे क्या स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से सबसे सब पहली बात तो यह है. कि आप टू एस से ये एस और ये एस कैंसिल कर पा रहे हो एक जरूरी बात तो ये नज़र आ रही होगी और यहाँ से शायद मैं एस और लैमडा में एक कुछ सब्सटैंशियल सा रिजल्ट बना पा रहा हूँ कैसा रिजल्ट स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से फोर लेमडा थ्री लेमडा सेवन लेमडा सेवन लेमडा प्लस टू लेमडा इज नाइन लेमडा है ना तो अगर नाइन लेमडा को इस तरफ शिफ्ट किया नाइन लेमडा को इस तरफ शिफ्ट किया तो नाइन लेमडा इज इक्वल टू एस ये एक और जरूरी रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया कि सर नाइन लेमडा जो है वो एस के इक्वल है नाइन लेमडा जो है वो एस के इक्वल है सर अगर नाइन लेमडा एस के इक्वल इससे फायदा क्या हुआ अगर नाइन लेमडा एस के इक्वल है तो क्या मैं एस की वैल्यू नाइन लेमडा इन तीनों में रिप्लेस कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हैं सर अगर अगर मैं एस की यहाँ पर एस की वैल्यू नाइन लेमडा आई होप आपको नजर आ रही है एस की वैल्यू कितनी आती है नाइन लेमडा अगर यहाँ रिप्लेस की तो क्या कहना है आपका सर अगर एस की वैल्यू नाइन लेमडा यहाँ रिप्लेस की तो नाइन लेमडा माइनस फोर लेमडा कितना फाइव लैमडा किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स की सर ये है वैल्यू एक्स की है ना नाइन लेमडा माइनस थ्री लैंडा दैट्स कितना सिक्स लैमडा किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स की वाई की वैल्यू नाइन लेमडा माइनस टू लैमडा दैट्स कितना सेवन लेमडा और ये किसकी वैल्यू सर ये है वैल्यू जेड की और ये तीनों बातें कहाँ से निकाल पाए ये तीनों बातें इस बेसिस पर हम कह पा रहे हैं सर कि जो आपका एस है वो किसके एक वाले नाइन लेमडा के आई होप ये बात आप याद रखेंगे कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक तो सर एक और ज़रूरी बात खैर बहुत डिटेल में तो नहीं पता चली बट एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज हैं वो फाइव लेमडा सिक्स लेमडा और सेवन लेमडा होंगी मतलब फाइव इस टू सिक्स एस टू सेवन के रेशो में होंगी एक ज़रूरी रिजल्ट है ना तो एक और रिजल्ट क्या कि एक्स वाई और जेड का जो रेशो है वो कितना है फाइव इस टू सिक्स इस टू सेवन एक और कंक्लूजन है उसे आप फाइव इस टू सिक्स इस टू सेवन रख लें फाइव लेमडा इस टू सिक्स लेमंडा एस टू सेवन लेमडा रख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना वैल्यू रख लें या रेशो रख लें इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो सर हम एक बहुत ज़रूरी बात निकाल पाए हम एक बहुत जरूरी बात निकाल पाए कि सर एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ क्या हैं अब अगला क्लू जो हमारे सामने है वो क्या सर अगला क्लू ये है कि आप ये वाली इंफॉर्मेशन तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो कौन सी एरिया ऑफ द इन सेंटर किसका इस ट्राएंगल एक्स वाई जेड का होता है एट बाय बाई थ्री अब मैं चाहता हूँ बस आप इतना बता दो मुझे कि किसी भी ट्राइंगल के इन सेंटर के एरिया मतलब का फॉर्मूला हमने निकालना सीखा था सॉरी इन सेंटर नहीं इन सर्कल का किसी भी ट्राइंगल के इन सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमने निकालना सीखा था क्या बहुत डिटेल में कई सारी बातें बताई थी आपको बस वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा अगले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में और ये सारे ऑप्शंस आप बहुत इजीली वन वन बाय वर्कआउट कर लेंगे बस इस हिंट को यूज करिए और मुझे बताइए कि किसी भी ट्रायंगल के इन सर्कल का एरिया क्या होता है बस इस वाली हिंट पे काम करिए आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे गिव इट अ ट्राई बाय बाईट तो फ्रॉम योर स्टूडेंट्स अभी देखो आई होप आप यहां पर वर्कआउट कर पा रहे हो चीजें अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बता दो बस एरिया ऑफ अ इन सर्कल ऑफ़ आर ट्राइंगल याद करिए स्टूडेंट्स अगर मैं एरिया ऑफ इन सर्कल बात करूँ तो सर उसके लिए मुझे इन रेडियस की ज़रूरत होगी क्या आपको याद है स्टूडेंट्स और अगर मैं किसी भी सर्कल के इन रेडियस की आपसे बात करूँ सर्कल का एरिया ऑफ़ कोर्स हम निकाल लेंगे, बट सर्कल की इन रेडियस अगर पता चल जाए तो इन रेडियस स्टूडेंट्स कि अगर ट्राइंगल का एरिया और उसकी से पता हो तो आप इस तरीके से इन रेडियस निकाल सकते हो क्या है यानी सर सर्कल का एरिया को ही कह देंगे पाई आर यानी आप उसे कहोगे पाई एंड वॉट इज आर सर इज इन रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर अब डेल्टा के लिए क्या मैं कर सकता हूं आई होप आपको याद आ रहा होगा डेल्टा मतलब क्या अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यानी क्या हो जाएगा पाई अब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड ऑफकोर्स क्या स्टूडेंट एस माइनस सी और डिवाइड कैसे कर देंगे आप इसे स्टूडेंट्स डिवाइड आप इसे करेंगे स्क्वायर से क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है आई होप कोई डाउट नहीं है अब अगर वापस हम काम की बात पर आए ये एक जनरलाइजेशन हमने किया अब वापस अगर हम काम की बात पर आए तो इनके अकॉर्डिंग उस इन सर्कल का एरिया है एट पाई बाय थ्री इन्होंने जो कहा आपसे इनके अकॉर्डिंग इस इन सर्कल का जो एरिया है दैट इज एट पाई बाय थ्री ठीक है सर और हमारे अकॉर्डिंग जो एरिया आने वाला है दैट इज़ पाई है ना अब शुरुआत करते हैं एस से शुरुआत करते हैं एस से एस कितना है सर नाइन लेमडा एस कितना है सर नाइन लेमडा तो एस की वैल्यू रिप्लेस करते हैं कितनी नाइन लेमडा इन टू एस माइनस ए अब एस माइनस ए का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान सुनेगा एस माइनस ए एस माइनस ए मतलब आपकी पहली साइड ए मतलब अभी एक्स है तो एस माइनस ए अब एस माइनस ए मतलब वापस वही बात स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो एस कितना है सर एस है नाइन लेमडा और ए कितना है फाइव लेमडा तो नाइन लेमडा में से फाइव लेमडा सेक्ट किया तो कितना फोर लेमडा ये वही है एस माइनस है एस माइनस बी और एस माइनस सी वहां पर अब एक्स वाई जेड है ए बी सी की तरह तो एस माइनस ही या तो यहाँ से देख लो एस माइनस फोर लेमडा जो कि अमरेली सॉरी या तो ऐसा देख लो एस माइनस ए जो कि क्या है फोर लेमडा थ्री लेमडा और टू लेमडा की बात आपको समझ आ रही है मतलब आप जो पहला वाला पार्ट लिखेंगे पहला वाला जो आप पार्ट लिखेंगे वो क्या होगा स्टूडेंट्स एस माइनस ए एस माइनस ए कितना है आई थिंक फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फोर लेमडा थ्री लेमडा और टू लेमडा क्या आपको ये बात समझ आ रही है तो एस माइनस कितना फोर लेमडा एस माइनस बी कितना थ्री लेमडा और एस माइनस सी कितना टू लेमडा और डिनोमिनेटर में हम हमरेली सॉरी मैंने एस स्क्वायर वहाँ लिख दिया वो एस से एक एस स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा था तो जैसे ही एस से एक एस स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा था तो न्यूमरेटर में वो एस लिखने की ज़रूरत नहीं है उसे हम सीधे डिनोमिनेटर में नाइन लेमडा लिख सकते हैं क्या सारी बातें समझ आई अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो अभी क्या सर अब मेरे ख्याल से आप चीज़ें सोचिए और आपको दिखेंगी जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन किया स्टूडेंट्स कि सर पाई से पाई कैंसिल है ना सर लेमडा से एक लेमडा तो हटा बहुत बढ़िया बहुत खुशी की बात है अभी क्या सर अभी एक और बात की फोर इंटू टू होता है एट और ये एट हट जा रहा है क्या आपको ये नज़र आ रहा है सर थ्री का नाइन होता है थ्री टाइम्स है ना और इस थ्री से ये थ्री कैंसिल तो सर कई हद तक मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ कैंसिल तो लेमडा स्क्वायर कितना आ रहा है लेमडा स्क्वायर आ रहा है वन क्योंकि आई थिंक सब कुछ कैंसिल हो चुका है तो फाइनली लेमडा स्क्वायर कितना आ रहा है सर लेमडा स्क्वायर आ रहा है वन जैसे ही लेमडा स्क्वायर वन आए तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आती है प्लस माइनस वन सर लेमडा की वैल्यू जैसे ही आप प्लस माइनस वन ट्राई करते हो तो सर माइनस वन ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि सेमी पेरीमीटर माइनस नाइन हो जाएगी तो हमें प्लस वन ही ट्राई करना है जैसे ही लेमडा की वैल्यू प्लस वन ट्राई की तो कहना है इसे सर पहली साइड हो जाएगी फाइव दूसरी साइड हो जाएगी सिक्स और तीसरी साइड हो जाएगी सेवन यानी ओवरऑल जो फाइनली आपके एक्स वाई जेड आएंगे जो फाइनली आपके एक्स वाई और जेड आएंगे वो क्या होंगे फाइव यूनिट सिक्स यूनिट्स एंड सेवन यूनिट्स ऑफ कोर्स क्या ये तीनों बातें समझ आई आई होप ये तीनों साइड्स तो समझ आई अब हम शुरू करते हैं हमारे ख्याल से ऑप्शन एक्सप्लोर करना सो द एरिया ऑफ़ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिक्स रूट सिक्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर मैं एरिया की बात करूं तो सर एरिया काफी हद तक हम यहाँ निकाल चुके थे अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है सर एरिया हेराउंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हेराउंस फार्मूला से अगर हम ट्राई करें तो वो होता है अंडर रूट ओवर कितना एस एस माइनस ए है ना एस माइनस बी और कितना स्टूडेंट्स एस माइनस सी क्या बातें आपको याद हैं तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो अंडर रूट ओवर बहुत ध्यान से सुनी स्टूडेंट्स एस कितना था आई होप आपको सारी बातें याद है चूँकि लेमडा आपको पता चल चुका है कितना वन और लेमडा जैसे ही पता चल चुका है वन तो एस की वैल्यू कितनी है नाइन सर एस की वैल्यू तो नाइन है और अगर मैं एस माइनस है एस माइनस बी और एस माइनस सी की बात करूं तो कितना आ रहा था स्टूडेंट्स ये आ रहा था आपका क्या एस माइनस ए है ना एस माइनस ए कितना आ रहा था फोर लेमडा थ्री लेमडा और टू लेमडा लेमडा की वैल्यू वन है तो कितना हो जा रहा है फोर थ्री टू क्या आपको बात समझ आ रही है तो सर बहुत सिंपल सी बात बहुत सिंपल सी बात क्या डायरेक्टली आप लिखो एस तो है आपका नाइन एस माइनस ए है फोर एस माइनस बी है आपका थ्री और एस माइनस सी है टू क्या आपको ये बात समझ आ रही है आई होप बड़ी सुलझी हुई सी बात है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और अगर यहाँ से हम आगे प्रोसीड करें तो क्या सर बड़ी सिंपल सी बात क्या कि आई थिंक अगर मैं स्क्वायर की टर्म्स में ही लिखूँ क्योंकि कुछ कुछ कॉमन निकालना मैं चाह रहा हूँ तो लैमडा को सॉरी डेल्टा को क्या मैं लिख सकता हूँ सुनिएगा बहुत ध्यान से नाइन क्या होता है थ्री स्क्वायर और एक ऑलरेडी थ्री है तो ये हो जाने वाला है थ्री क्यूब है ना फोर इंटू टू वैसे भी आप निकाल ही सकते थे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब मैं कह रहा हूँ इतना घुमा फिरा के करने के बजाय वो बात वही बन जा रही है क्योंकि दोनों क्यूब बन रहे हैं तो आप ऐसे ही लिख दो नाइन और फोर का अंडर रूट कितना थ्री और टू और ये थ्री और टू बच जाएगा तो थ्री और टू बाहर आ जा रहे हैं तो सिक्स और अंदर भी थ्री और टू बच जा रहे हैं तो सिक्स तो पहली बात तो आपके ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है दैट इज सिक्स रूट सिक्स ट्राएंगल का जो एरिया आ रहा है दैट इज सिक्स रूट सिक्स यानी ऑप्शन ए तो सही है क्या ये बात आपको समझ आई आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है सर वोट अबाउट ऑप्शन बी द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ़ द ट्राएंगल द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ़ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज थर्टी फाइव टाइम्स रूट सिक्स बाई सिक्स क्या आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स सरकम रेडियस आपको निकालनी है सरकम रेडियस के लिए क्या कुछ रिलेशन पता है आपके पास बहुत सारा डेटा है आपके पास ट्राएंगल का एरिया है आपके पास तीनों साइड्स हैं आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने आपको हिंट दी है कुछ कहकर जल्दी से ट्राई करिए और मुझे ऑप्शन बी बताइए सही है या नहीं क्विकली गिवे ट्राई स्टूडेंट्स अब अगर आपसे पूछी जा रही है सरकम सर्कल सरकम सर्कल की रेडियस तो मेरे ख्याल से बहुत सीधा सीधा सा फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं कैपिटल आर तो हमने क्या सीखा था हमने सीखा था एक्स वाई जेड तीनों साइज़ का प्रोडक्ट वहाँ पे हम ए बी सी लिखा करते थे अपॉन फोर डेल्टा क्या आपको ये बातें याद आ रही हैं आई होप ये सारी बातें आपको याद है अगर पहली बात तो हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये डेल्टा रूट सिक्स आ चुका है तो आई थिंक डेल्टा सिक्स हम यहाँ यूज कर लेंगे तो जैसे ही डेल्टा यूज किया तो सर आर एक्स वाई जेड पर हम बातें करने वाले हैं बट ये क्या है फोर और ये कितना है शिक्स रूट शिक्स. क्या आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू याद है तीनों साइड्स हमने निकाली थी स्टूडेंट्स याद करिए तीनों साइड्स की वैल्यूज आई थी हमारे लिए वो कितनी आई थी फाइव सिक्स सेवन ही आई थी याद है स्टूडेंट्स फाइव सिक्स सेवन ही हमने लिखा था वो तीनों वैल्यूज हमारी आई थी फाइव सिक्स सेवन तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में होगा फाइव सिक्स और सेवन और अगर इस बेसिस पे हम आंसर प्रेडिक्ट करना चाहें तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट नहीं मतलब हम देंगे ही तो सिक्स से सिक्स कैंसिल आई थिंक इसके अलावा कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है तो सेवन का फाइव थर्टी फाइव टाइम्स तो ये हो जाता है थर्टी फाइव अपॉन कितना फोर टाइम्स रूट सिक्स तो थर्टी फाइव अपॉन फोर टाइम्स रूट सिक्स एक गड़बड़ है ये फोर नहीं है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में सिक्स है इस वजह से ये गलत है ये सही क्या होता है स्टूडेंट सही होता थर्टी फाइव टाइम्स अंडर रूट सिक्स अपॉन फोर इस तरीके से अगर ये दिया होता तो बिल्कुल ये हमारा एक सही आंसर होता है सर वोट अबाउड ऑप्शन सी आई होप आपको रियलाइज हो रहा है ये एक एम एस क्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है एम एस क्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं और यही खास बात है जय एडवांस जैसे एग्जामिनेशन की अभी क्या अगर मैं थर्ड ऑप्शन की एंगल रूल सीखा था अगर मैं आपको याद एंगल रूल तो याद करो स्टूडेंट्स हमने तो एंगल रूल जो कहता था ए बाई टू वो आपने निकालना सीखा होगा सर एस माइनस अगर ये ए है तो ए के लिए कौन सी दो साइड रखती थी, थी बी और सी तो आप उसे कहते थे एस माइनस बी इन एस माइनस सी अपॉन में इन्हीं दोनों साइड्स का प्रोडक्ट क्या आपको ये बातें याद हैं आई होप बहुत अच्छे से हमने बातें पढ़ रखी हैं तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करें अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो साइन ए बाई टू की तर्ज पर ही मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू और साइन जेड बाई टू तो इसको हम कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स साइन है ना हमें क्या निकालना है पहले तो अफकोर्स एक्स बाई टू तो साइन एक्स बाई टू इं टू साइन जो है आपका वाई बाई टू इंटू साइन जेड बाई टू क्योंकि तीनों में ही अंडर रूट आना है तो मैं कॉमन अंडर रूट ले लेता हूँ आई होप दैट डजेंट बॉद यू ऑल अब जब वो कॉमन अंडर रूट आपने लिया है तो क्या x बाई टू के लिए क्या होगा सर x के लिए साइड कौन सी होंगी y एंड z तो आप क्या लिखोगे s माइनस वाई टाइम्स एस माइनस जेड क्या ये बात आपको समझ आई डिवाइडेड बाई ऑफकोर्स क्या वाई जेड फिर क्या सर आई होप अब आपको पैटर्न दिख रहा है सब चीज़ें डबल होती हुई दिखेंगी जैसे y बाई टू क्या होगा सर साइन y बाई टू के लिए आप लिखोगे y को बनाने वाली साइड्स y को कौन सी साइड्स बनाती है सर x और जेड अमरेली सॉरी तो ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा s माइनस एक्स है ना और एस माइनस जेड क्या ये बात आपको समझ आ रही है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय यहाँ इसके लिए अपोजिट में डिनोमिनेटर में जो साइड होंगी वो होंगी एक्स और जेड सिमिलरली अगर आप दो स्टेप्स दो टर्म्स और लिखें क्योंकि जब साइन जेड बाई टू आप लिखोगे तो जेड के लिए वाई और एक्स लगती हैं तो यहाँ पर क्या दिखेगा एस माइनस एक्स एन एस माइनस वाई और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा एक्स वाई बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आई होप आपको दिख रहा होगा कि सर सबका देखो एक्स माइनस एस माइनस वाई एस माइनस वाई एस माइनस जेड एस माइनस जेड एस माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स यहाँ पे दिख रहा है वाई यहाँ पे दिख रहा है और जेड यहां दिख रहा है तो सब स्क्वायर होकर स्क्वायर हो जा रहा है और सबका अगर स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सर बचेगा एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वापस आपका एक्स वाई जेड फिर वही बात स्टूडेंट्स के हम ये वैल्यूज जानते हैं याद करिए सारी वैल्यूज आपने निकाली हैं जैसे अगर मैं शुरुआत करूँ एस माइनस एक्स से तो ये देखो एक्स माइनस एक्स वैसे हमने यहाँ भी लिख रखा है फिर भी अगर कोई डाउट है तो देखो याद आया स्टूडेंट्स एक्स माइनस एक्स कितना है फोर लेमडा लेमडा वन था तो फोर एस माइनस वाई थ्री और एस माइनस जेड टू तो फोर थ्री टू तो आपकी ये वैल्यू आ जा रही है तो ये वैल्यूज़ कितनी हैं स्टूडेंट्स सर ये वैल्यू है आपकी फोर थ्री एंड टू फोर थ्री एंड टू क्या आपको याद आ रहा है तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे फोर है ना मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू सर वॉट अबाउट डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड सर एक्स वाई जेड मेरे ख्याल से फाइव सिक्स सेवन आपने निकाले हैं एक्स वाई जेड आपको याद आ रहे होंगे स्टूडेंट्स फाइव सिक्स सेवन हमने निकाले थे याद आया स्टूडेंट्स तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं वो हम रखेंगे फाइव सिक्स और सेवन और अगर आपने ये वैल्यूज रखी तो क्या आपका आंसर आ रहा है ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं जैसे कि अगर मैं देखूँ तो थ्री इंटू टू कितना होता है सिक्स है ना इसके अलावा और कुछ तो मुझे कैंसिल होता है दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा है तो कितना हो जा रहा है फोर अपॉन्ट सेवन का फाइव थर्टी फाइव तो हो जाता है फोर अपॉन थर्टी फाइव है ना और अगर ये फोर अपॉन्ट थर्टी फाइव हो रहा है तो बेशक सर ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है वो फोर अपॉन्ट थर्टी फाइव भी दिख रहा है तो ऑप्शन सी भी सही है सर वो अबाउट ऑप्शन डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू आपको रियलाइज हो रहा है कि इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर रहे हैं सब कुछ यूज हो रहा है कितना लेंदी कितना सब्जेक्टिव कितना कॉम्प्रेहेंसिव कितना डिटेल ये क्वेश्चन है इसमें आपने सब कुछ कर लिया ऑलमोस्ट जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो साइंस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू सर एक्स प्लस वाई बाई टू कुछ दिख रहा है ठीक है सर ये पता करना है क्या पता करना है सर हमें पता करना है साइंस स्क्वायर एक्स प्लस वाई है ना बाई टू ये पता करना है मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है ठीक है सर इस बारे में बात करते हैं पर इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट सॉल्व करने से पहले कि आप मेरी हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स याद करिए सेम बात अगर ये ट्राएंगल एक्स प्लस वाई है ना मैंने ए प्लस बी लिख लिया क्या आई थिंक मैंने एक्स प्लस वाई ही लिखा है तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर ये तीनों एंगल सर एक ट्राएंगल के एंगल्स हैं तो कैसे आप भूल सकते हो ये प्रॉपर्टी यूज़ करना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है आई होप आपको याद आ रहा है पाए अगर मैं ऐसा लिखूँ तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि सर एक्स प्लस वाई जो होगा वो होगा पाई माइनस जेड अगर दोनों तरफ टू से डिवाइड करें तो एक्स प्लस वाई बाई टू जो होगा कहना इसे सर वो पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू होगा सर ऐसा क्यों किया आपको रियलाइज होगा ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं दोनों तरफ साइन लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ साइन एक्स प्लस वाई बाय टू तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ साइन क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है मैं आपको किस तरफ लीड कर रहा हूँ पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू यानी सर साइन जो होता है एक्स प्लस वाई बाई टू ट्राइंगल के कॉन्टेक्सट में साइन पाई बाई टू साइन नाइनटी माइनस थीटा दैट्स कॉस थीटा सो ये जो हो एक इसके एक होगा किसके इक्वल होगा सर ये इक्वल होगा कॉस जेड बाई टू के अब जैसे ही कॉस जेड बाई टू दिखा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर z बाई टू आई होप मुझे कुछ कहने या सिखाने की जरूरत नहीं है आपको ये फार्मूला भी पता है और ये भी याद है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं क्या आपको यह फार्मूला याद है स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए मुझे कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सोच के देखो स्टूडेंट्स जैसे हमारा साइन फार्मूला होता है आई होप आपको साइन वाला एंगल फार्मूला याद है सिमिलरली कॉस् फार्मूला होता है चूँकि स्क्वायर है तो अंडरूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा एस एस के लिए अब जेड के लिए कौन सा एंगल है साइड के लिए कौन सी साइड लगती है जेड तो ये दिखेगा आपको एस टाइम्स आपको मैं पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं ताकि आप मिस ना करो एक बात क्या आपको याद आ रहा है सर हमने पढ़ा है अगर कॉस ए बाई टू की आप बात करते हो तो कॉस ए बाई टू किसके कॉन्टेक्स्ट में ट्राइंगल के कॉन्टेक्ट में सर आप वो निकालते हो एस अपॉन A के लिए साइड कौन सी लगती है एस माइनस ए अपॉन ऑफकोर्स ऐसे के अपोजिट जो इसको सॉरी एक के अपोजिट कौन सी साइड होती है ए लेकिन एक के अपोजिट जो एक को क्रिएट करने के लिए जो साइड्स लगती हैं वो कौन सी होती हैं सर वो होती हैं बी सी तो आप इस तरीके से निकाल रहे होते हो कॉस का हाफ कॉस के किसी एंगल का मतलब किसी एंगल के हाफ का कॉस अगर यही फार्मूला यहां पर अप्लाई करें हम यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो स्क्वायर तो के कारण डूट तो कैंसिल तो सर z है z के लिए कौन सी साइड लग रही है z तो यहां पर क्या लिखेंगे s मतलब z के अपोजिट कौन सी साइड है z और z एंगल बनाने के लिए कौन सी दो साइड थी तो वो थी एक्स, एक्स और एस आई होप आपको ये बात समझ आ रही है और उस बेसिस पे अगर हम चीज़ें वापस अप्लाई करें तो अब तो मेरे ख्याल से आपको वैल्यूज याद हो चुकी होंगी तो जैसे सर एस की वैल्यू कितनी है सर एस की वैल्यू हमें याद है एस की वैल्यू जस्ट अभी हमने हमनेट की थी कहीं ना कहीं लिखी भी होगी बस मैं देख नहीं पा रहा हूं तो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू से रेफर कर लेता हूँ जैसे एस की वैल्यू जितनी मुझे याद है नाइन लैंडा थी जितना मुझे याद आ रहा है बिल्कुल तो एस की वैल्यू तो नाइन है एस की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है नाइन तो मैं सीधे सीधे ये रख देता हूँ बहुत सारा डेटा है तो आपको ये डेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना होगा है ना तो एस की वैल्यू कितनी है सर सर एस की वैल्यू है नाइन अच्छा बताओ एस माइनस जेड कितना है सर एस माइनस जेड सीधा सीधा याद कर लिया था हमने और चूँकि पूरा ट्रेस करना होगा अगर यहाँ से मैं ट्रेस करूँ एस माइनस जेड तो एस माइनस जेड हमने टू निकाला था अब वहाँ से भी देख सकते हो तो एस माइनस जेड कितना निकाला था एस माइनस जेड हमारा आ रहा था टू और अगर मैं एक्स और वाई की बात करूँ अगर मैं एक्स और वाई की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक्स और वाई भी मैंने लिखे ही होंगे सर एक्स और वाई थे फाइव और सिक्स है ना एक्स और वाई कितने थे फाइव और सिक्स तो ये कितने हैं फाइव एंड सिक्स सर अगर यहाँ से आप चीज़ें निकालें तो आई थिंक चीज़ें आसान हैं क्यों आसान है क्योंकि देखो थ्री का टू टाइम्स थ्री का थ्री टाइम्स एंड टू से टू कैंसिल तो कितना आ रहा है सर ये आ रहा है थ्री अपॉइंट फाइव ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स थ्री अपॉइंट फाइव एंड ऑफकोर्स हमारा जो ऑप्शन डी दिया है वो भी कितना है थ्री अपॉइंट फाइव क्या आपको समझ आया है कि उस क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीज़ें की और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जय एडवांस बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार मतलब बहुत ही अमेजिंग सी एग्जाम होने वाली है क्योंकि इसमें कितनी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और इसको क्लियर करने के लिए आपको कितनी बारीकी में चीज़ें पता होनी चाहिए आपको खुद अब रियलाइज हो रहा होगा कि कितनी डिटेल में आपको हर एक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है तो आई होप आपको कंसर्न समझ आ रहा है मैं फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें करी हमने हर वो चीज़ निकाली जो जरूरी थी हमने साइंस में बात की साइन रेशो में बात की हमने साइन एंगल्स पर बात की एंगल्स के हाफ के साइन पर बात की याद आ रहा है कॉस के एंगल के हाफ की बात की हमने ट्रिग्नोमैट्री में जो एंगल अगर सम पाए दिया हो तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं हमने क्वाड्रेंट थ्योरी यूज़ की हमने ये वाले रूल को अप्लाई किया हमने हमनेफकोर्स इसके साथ साथ हमने सर्कम रेडियस से डील किया सर्कम रेडियस के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन फोर टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राएंगल इसके साथ हमने हेरान्स फार्मूला यूज़ किया कि किसी ट्राएंगल का एरिया कैसे निकलता है हेरान्स फॉर्मूला के साथ हमने इन रेडियस यूज़ की इन रेडियस है आपकी डेल्टा अपॉन एस आप देख रहे हो क्या, क्या यूज़ हो रहा है डेल्टा मतलब वही ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर तो क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर भी आ गई सेमी पेरिमीटर आते ही हमने एक और कंसेप्ट से डील की कि सेमी पेरिमीटर के साथ जो डेटा दिया गया था उसको कुछ करके रेशोज के थ्रू हमने हमने वर्कआउट किया तो हमने सेमी पेरिमीटर वाला एक इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच डेवलप किया इसके साथ हमने और अगर आगे चीजें बढ़ाई तो हमने कई सारी मजेदार सी चीजें की मेरा यकीन है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ इसमें कोई डाउट नहीं और आपने कितनी सारी चीजें सीखी इसको लेकर मैं अश्योर्ड हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को ना सिर्फ बल्कि इस लेक्चर को भी एंजॉय किया होगा अगर ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेंस का है जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यानी कि किंडर गार्डन से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक कई सारे बोर्ड्स ऑफ कॉर्स एंड कई सारे मीडियम्स इसी के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी आई नीट एन टी रेलवे बैंकिंग सी ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में हम आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है कोई हिडन कॉस्ट नहीं है कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन जैसा कुछ नहीं है मतलब पूरा कोर्स पूरा प्रोग्राम पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट विद दैट स्टूडेंट्स में यकीन है आप क्या कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर जाकर पूरा कोर्स पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल जैसे मैगनेट ब्रिंग्स आई टी जी नीट ये स्पेसिफिकली आई टी जी नीट के लिए डेडिकेटेड है इसे यहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें प्ले लिस्ट में प्रॉपरली सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में एक्सेस कर सकते हैं सेम आपको वेबसाइट पर भी ऑफ कॉस्ट मिलेगा या फिर आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर भी जाकर चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैनर में रखा हुआ है अगर यहाँ से हम चीज़ें समझना चाहें तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हो कि हम क्या क्या चीज़ें आपको डिलीवर कर रहे हैं इसी के साथ साथ, साथ स्टूडेंट्स अगर इन लेक्चर से आपकी हेल्प हो रही है आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं तो इन्हें लाइक करना मत भूलिएगा चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए एंड द बेस्ट वे फॉर पीपल टू गेट टू नो अबाउट अस इज़ क्वाइट सिंपल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करें क्यों क्योंकि हम चाहते हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है आप उनसे शेयर करिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो पाएँ और इस प्रोग्राम को इस मॉड्यूल से अवेल कर पाएँ और इसको आसानी से यूज़ कर पाएँ विद दैट स्टूडेंट्स वी आर कॉलिंग टूडे ख्याल रखिए अपना थैंक यू सो मच